करें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे अभी तो क्वेश्चन बहुत बचे हैं, तो कितने लोग थक गए अभी क्वेश्चन करते करते। लग रहा होगा सर इतने क्वेश्चन कैसे करें, तो अगर जिस जिसको ये फील हो रहा है ना सर इतने क्वेश्चन कैसे करें, तो बताइए दोस्त आप उसी कैटेगरी में हो फिर जो बोलते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत करी थी बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि तो अभी इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हमें बाकी है ना जो एग्जाम्स में आते हैं, समझो मेरी बात। जिन जिनको अभी ये लग रहा होगा कि सर अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अब और कितने करेंगे, तो मेरी तरफ से आपको बहुत ज्यादा बधाई है, आप फिर उन्हीं कैटेगरी में आ चुके हो दोस्त जो पढ़ते तो हैं बट उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं जिस लेवल का सरकारी लिए पढ़ने की जरूरत होती है। तो अच्छा है एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा यहां पर किस किस के मन में आ रहे हैं यार इतने क्वेश्चन कौन पड़ेगा, तो फिर आप जज कर सकते हो अपने आप को, फिर किस्मत को दोष देने से फायदा नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बोलता रूड हूं बट बोलता काम की बात हूं, ये काम की बात थी। इतने से क्वेश्चन में अगर आप थक गए होंगे ना, मैं नहीं थक रहा हूं करवाते करवाते, तो मुझे अपनी क्या नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट नहीं करनी है क्या। अगर कोई भी टीचर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सब्जेक्ट खत्म करना, है ना। सब्जेक्ट खत्म करना सबसे बड़ा काम होता है कि सब्जेक्ट खत्म हो जाए। तो मैं चाहता था सेकंड मतलब थर्ड यूनिट जो हमारी है हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर सकते थे बट नहीं करी मैंने, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस ही नहीं होंगे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाओगे। अगर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इसमें आएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं और आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको एक टीचर सॉल्व नहीं कराएगा। तो ठीक है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 21 कर लिया था, 21 मेरा बहुत पसंदीदा क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन मैं पहले करा था। अब हम करेंगे आपका 28th क्वेश्चन, क्योंकि 28th क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है बट ये अच्छा मतलब ये एग्जाम्स में आपका आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, अ ड्राई सॉइल हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले जब मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दो स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़वाई है दोस्तों। एक मैंने आपको पढ़वाई है जीएम, जिसको हम बोलते हैं मास या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। दैट मींस यहां पर से लिखा हुआ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट मींस ये आपकी जीएम है, ठीक है भाई। और दूसरी जो मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाई है वो पढ़ाई है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जी एस से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपका जी एस से, ठीक है। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7 देन द वॉइड रेशियो विल बी। इसमें आपको क्वेश्चन में मास स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर रखी हुई है जो कि जीएम होता है, और ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड या ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलता हूं, जो कि इसने क्वेश्चन में जीएस देखिए दोनों से देख रखी है। आपको देख रखी इसमें 1.35 या आपको देख रखी इसमें 1.35 एंड जीएस इसमें आपको देख रखी हुई है 2.7, ठीक है भाई। आपसे बंदा वॉइड रेशियो पूछ रहा है, तो जो मेरा लेक्चर नंबर 7 है उसमें हमने बहुत सारे रिलेशनशिप पढ़े थे और मैंने आपको बताया कि सॉइल मैकेनिक्स में आपका लेक्चर नंबर 7 बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 की बनाई सॉल्व होंगे ही, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटर रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जब मास स्पेसिफिकिटी पढ़ाया था और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिकिटी ऑफ सॉलिड्स पढ़ाया था, तो हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था क्या जीएम इज इक्वल टू जीएस 1/E। ये होता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, दैट मींस मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स या ग्रेन, इसको ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये होता है। तो इन दोनों ने आपको ये भी देकर रखा है, ये भी देकर रखा है, आपको वॉइड रेशियो फाइंड करना है, कैलकुलेटर पे मैं एक मिनट में कर देता हूं इसको। तो आपको फाइनली आ जाएगा 1 + E इज इक्वल्स टू जीएस बाय जीएम। अब देख लेते फटाफट कर लेते, जीएस कितना देख रखा है इसने 2.7 डिवाइडेड बाय जीएम कितना 1.35, ठीक है 2 आ रहा है और माइनस ई प्लस 1 है ना, तो 1 उधर से जाएगा तो 1 आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आप जरूर ध्यान रखते हुए चलो, जितने भी रिलेशनशिप हम पढ़ते चल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो इजी क्वेश्चन था। आते हैं एग्जाम्स में, आपको फिर बोल रहा हूँ जितने क्वेश्चन लिए सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि भाई आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े बहुत आए हुए भी हैं जो आएंगे, और कुछ इसके अंदर नए क्वेश्चंस भी हैं जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो आप ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21 हमने कर लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा इसमें आपके सामने, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्राई डेंसिटी, सबसे पहली बात हम लोगों ने देखो जनरली सॉइल मैकेनिक्स की बात होती है तो जो भी उस पर फोर्स लगता है या लोड लगता है, तो जहां पर लोड लगेगा
तो हम वेट कंसीडर करते हैं। जो हम कहने का मतलब ये है कि हम सोइल मैग्नेटिज्म मास को जनरली यूज ना करके वेट यूज करते हैं या फोर्स यूज करते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन होती है ना। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हम लोगों ने जब डेंसिटीज पढ़ा था तो हम लोगों ने दो चीजों में डिफरेंशिएट करा था। एक थी डेंसिटी, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करता हूं और यूनिट वेट को मैं रो से रिप्रेजेंट करता हूं, सॉरी गामा से। ये होती है आपकी डेंसिटी एंड दिस इज आपका यूनिट वेट, यूनिट वेट है ना। और रिलेशनशिप आपको बताइए रो में, रो इज इक्वल टू गामा इंटू जी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देखो उसने क्या देखा रखा है। द ड्राई डेंसिटी हमने जनरली फॉर्मूले पढ़े, किसमें पढ़े, गामा में, हमने यूनिट वेट में पढ़े। तो यूनिट वेट में फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ड्राई डेंसिटी से देखे रखिए, दैट मीन्स गामा डी, चलो मैंने यूनिट वेट कंसिडर कर लिया, इसको देख लेंगे ऑफ ए सॉइल इज 1.5, इसने आपको ड्राई डेंसिटी देकर रखी हुई है। क्या देख रखिए, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी। उसका जिसने आपको वाटर कंटेंट देकर रखा है, इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट वाज 50%, वाटर कंटेंट इसने आपको देकर रखा है 50%, एंड जो ड्राई डेंसिटी है या मैं ड्राई यूनिट वेट भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता मैं आपको बताता हूं, एंड क्यों मैं डेंसिटी की जगह यूनिट वेट यूज कर सकता हूं अभी आपको रिजल्ट देता हूं, देखते आना अभी आप। एंड गामा डी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में इसने डेंसिटी देकर रखा है, डेंसिटी और यूनिट वेट में डिफरेंस होता है, बट क्यों मैंने वहां पर यूनिट वेट लिखा है मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। उसका रीजन ये है, इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल यूनिट वेट को डेंसिटी की जगह यूज कर सकता हूं। क्यों यूज कर सकता हूं, सबसे ज्यादा देखो इसने पूछा क्या, देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी, हमको गामा सैचुरेटेड फाइंड करना है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो डेंसिटी देकर रखी हुई है तो आप यूनिट वेट यूज करो, वो मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं इन देखो इसने आपसे तो गामा सैचुरेटेड पूछा है, डेंसिटी पूछा ना, मैं बोलूंगा रुक तो जाओ शांति तो रखो, एंड सबमर्ज डेंसिटी एंड गामा सबमर्ज इसने आपसे पूछा। दैट मींस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में इसने आपको ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट देकर रखा हुआ है, वैसे दोनों में डिफरेंस होता है, बट मैंने डेंसिटी यूनिट वेट नहीं लिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहां पर रिलेशनशिप यूज करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर क्या यूज करूंगा आपका रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप, गामा डी इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड अपॉन 1+ वाटर कंटेंट। ये है रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, इसको लिख लो वापस से एक बार, जरूरी होता है। ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट का रिलेशनशिप होता है गामा सैचुरेटेड के साथ, गामा डी इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड प्लस 1+ जरूर। लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस करा था ये इन सब रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी और सैचुरेटेड, अब देखो अगर मान लो मैं यहां पर डेंसिटी यूज करता, अगर मान लो ये यूनिट वेट है, यूनिट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी, तो यहां पर आप रो इंटू जी रखोगे, यहां पर रो इंटू जी रखोगे, दोनों की डेंसिटी अलग होगी बट जी तो कॉमन आएगा तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपका यूनिट वेट भी, डेंसिटी को यूनिट वेट से रिप्लेस कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में मेनली क्या है, ये रिलेशनशिप है गामा डी इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड अपॉन 1+ डब्ल्यू। तो सबसे पहले हमें गामा सैचुरेटेड फाइंड करना है, तो यहां से आप देख सकते हो गामा सैचुरेटेड अपॉन क्या निकल के आ रहा है, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डी 1+ वाटर कंटेंट। तो यहां से हमारा गामा सैचुरेटेड निकल कर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वेरीफाई कर लेता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो गामा डी कितना देख रखा हुआ है, 1.5, 1+ वाटर कंटेंट कितना है 50%, परसेंटेज सिंबल हटा दो तो 0.5, तो दैट मींस अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 1.5, 1.5 इंटू 15 इंटू 15 कितना 225, तो 2.25 ग्राम पर सीसी। तो जो आपकी, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में बस ओनली हमें रिलेशनशिप यूज करना है, रिलेशनशिप के अलावा हमें कुछ भी यूज नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं ना क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड आपने, सॉरी हाँ, गामा सैचुरेटेड हमने फाइंड कर ली, ये देखो गामा सैचुरेटेड हमने, या सैचुरेटेड डेंसिटी या सैचुरेटेड यूनिट वेट कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने फाइंड कर लिया, वो आ जाएगा 2.25 ए के ऑप्शन में आ रहा है। अब आपकी इच्छा है तो आपको अगला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2.25 इन्होंने ए के ऑप्शन में देख रखा है, अगला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी इन केस आपको अगर गामा, अगला क्या, सबमर्ज डेंसिटी, मैंने आपको बताया था कि सबमर्ज डेंसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर। गामा सैचुरेटेड आपके पास कितना है 2.25, और मैंने आपको इस प्रीवियस लेक्चर में गामा ऑफ वाटर बताया था कितना
1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 2.25 में से 1 गया तो कितना बचा 1.25, तो आप देखो 2.25 का 1.25 ही आ रहा होगा जो भी शॉर्ट था। तो इस तरीके से आपका सी आंसर इसका हो गया। इजी सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी से आंसर कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 23, जब मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर आता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां से देखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं हम लोग। अब ये आप कितना भी दिमाग लगा लो, अगर ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करावा नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि तुम में से जितने लोग थक चुके हो, तो भैया आप देखो, आपके लिए मैं बुरा हूं आज, है ना, आप बोल रहे हो कि मैंने आपको क्या बोला। देखो, एग्जाम के बाद डिप्रेस होने से अच्छा है कि एग्जाम से पहले अपनी कमियां ढूंढ लो। एग्जाम में डिप्रेस होने से अच्छा है एग्जाम से पहले अपनी कमियां ढूंढ लो। ये कमियां होती है आपकी, मैं बोलता हूं, जिस जिसको लगता है मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रही थी अच्छे से, यहां पर लेक्चर को देखना बंद कर दो, इस क्वेश्चन को लिखो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को लिखो और मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। भाई आप एसएससी जेई की तैयारी तो अच्छे से कर रही की होगी, तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आप समझ मेरी बात, तो दैट मींस बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जहां पर आपके टीचर को जरूरत पड़ती है। मैं तो बोलता हूं कि हाँ, टीचर की ये फर्ज बनता है कि वो इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराए, क्योंकि इन जैसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आपने कितने भी प्रैक्टिस कर रखी हो, अगर पर्टिकुलर आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करा हुआ ना, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जिसको मेरी बात गलत लग रही है वो यहीं पर लेक्चर को रोक दे और इस जगह इस क्वेश्चन को लिख ले सामने, और सॉल्व ऑप्शन आपके सामने, मेरे से पहले इसका सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि थको मत, अभी थकने का समय है ही नहीं। सोयल मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ठीक है। चालू करता हूं मैं, ध्यान से देखना भैया क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अ फिल हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ, फिल का मतलब क्या होता है? जहां पर हमें मिट्टी भरनी है। फिल का मतलब क्या होता है? जहां पर हमें मिट्टी भरनी है, ठीक है। अ फिल हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 150,000 क्यूबिक मीटर, 150,000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इस टू बी कंस्ट्रक्टेड, आपके पास मतलब आपको एक जगह पर मिट्टी भरनी है। जब भी आपको मिट्टी कहीं पर भरनी होगी, उसके लिए लिखा हुआ आएगा फिल। जब भी हमें कहीं पर मिट्टी भरनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोई एम्बैंकमेंट, जैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप उसमें मिट्टी फिल करोगे, जैसे एम्बैंकमेंट मैंने आपको बताया था। जब मिट्टी कहीं पर भरनी होगी तो उसके लिए यूज होगा फिल, और जहां से मिट्टी निकाल कर ला रहे हैं, जैसे अगर मान लो कहीं पर मुझे मिट्टी भरनी है, तो कहीं से मिट्टी में निकाल कर लाऊंगा, कहीं से मैं सॉइल निकाल कर लाऊंगा, तो जहां मैं भर रहा हूं उसको बोलेंगे फिल, और जहां से मैं निकाल कर ला रहा हूं, जैसे मान लो नदी किनारे में निकाल के ला रहा हूं, तो उसको मैं बोलूंगा बोरो पिट, लिखा हुआ होगा इसमें बोरो पिट। तो बोरो पिट जहां से लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स वहां से मिट्टी निकाल रहे हो, और जहां पर आप मिट्टी डाल रहे हो उसको हमने बोलते हैं फिल। अ फिल हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 150,000 क्यूबिक मीटर, एक फिल मतलब आपको सॉइल भरनी है, जो सॉइल आपको भरनी है उसका वॉल्यूम है 150,000 क्यूबिक मीटर, ये हमें भरनी है। टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, माने टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.8, दैट मींस एक फिल है, ध्यान से देखना भाइयों, एक फिल है जहां पर मुझे मिट्टी भरनी है, और जो मिट्टी मुझे भरनी है उसका वॉल्यूम है आपके पास 150,000 क्यूबिक मीटर, और जो मिट्टी मुझे भरनी है वहां पर वो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये दिखाते हैं कि मिट्टी हमारी कितनी डेंस है या लूज है। तो इसने पता कि जो मिट्टी भरोगे ना, जहां पर आपको भरना है उसका वॉइड रेशियो आपको 0.8 मेंटेन करना है, उसका वॉइड रेशियो आपको 0.8 मेंटेन करना है। द बोरो पिट सॉइल हैज अ वॉइड रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब जब हम जैसे जैसे वॉइड रेशियो बढ़ता जाता है, क्योंकि वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो जैसे जैसे वॉइड रेशियो बढ़ता जाएगा, वो क्या शो करता है कि मिट्टी लूज है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तभी बढ़ेगा जब मिट्टी आपकी लूज होगी। अब कहीं पर मैं मिट्टी भर रहा हूं, कहीं पर मुझे मिट्टी एक स्ट्रक्चर बनाना है और मुझे मिट्टी पर फिल करनी है, तो उसकी डेंसिटी मुझे ज्यादा चाहिए होगी। डेंसिटी तभी ज्यादा होगी जब उनके बीच में गैप कम होगा, जब उनके बीच में गैप कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होगा तो वॉइड रेशियो आपको कम होगा। तो देखो, जब आप मिट्टी भर रहे हो उसका वॉइड रेशियो कम है, बिल्कुल सही बात है। जहां पर मिट्टी निकाल के ला रहा हूं वहां पर लूज है, इसलिए उसका वॉइड रेशियो ज्यादा है। जहां पर मुझे मिट्टी भरनी है, बिल्कुल सही बात है, वहां पर मुझे डेंसिटी चाहिए, वहां पर मुझे डेंस सॉइल चाहिए, इसलिए उसका वॉइड रेशियो कम है। सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। इसने बोला कि द बोरो पिट सॉइल, जहां से आप मिट्टी निकाल रहे हो वहां पर जो वॉइड रेशियो है वो 1.4 है, ठीक है भैया।
द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरो पिट विल बी। इसने आपसे ये पूछा है भैया आपको बोरो पिट से मिट्टी निकालनी है, आपको बोरो पिट से मिट्टी निकालनी है, आपको बोरो पिट से मिट्टी निकालनी है और फिल में भरनी है। बट जो बोरो पिट से आप मिट्टी निकालोगे उसका वॉइड रेशियो भाई साहब 1.4 है और जहां पर आप मिट्टी डाल रहे हो उसके लिए उसका वॉइड रेशियो 0.8 है। इस जगह क्या होगा, इन सब में वॉइड रेशियो तो अलग अलग हो गया, वॉइड रेशियो तो अलग अलग हो गया, दोनों केसेस में वॉइड रेशियो अलग अलग हो गया। बट हमें इस टाइप के क्वेश्चन को यह कंसीडर करते हुए चलना पड़ता है कि माना दोनों जगह वॉइड रेशियो अलग अलग है, माना दोनों जगह वॉइड रेशियो अलग अलग है, बट दोनों केस में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आ जाओ लेक्चर नंबर 7 पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और टोटल वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। किसी भी सॉलिड सैंपल का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और टोटल वॉल्यूम जो होता है उनके बीच में रिलेशन होता है V1 plus E। और हम अब क्या करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, ये रिलेशनशिप है किसमें, ये V है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल और उस सॉइल सैंपल के जितने भी सॉलिड्स हैं, भाई सॉइल में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस या सॉलिड एयर एंड वाटर, लिक्विड गैस हमारा, लिक्विड हमारा बनता है वाटर, गैस हमारा बनता है एयर। तो जब भी हमें मिट्टी निकाली तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि चलो माना वॉइड रेशियो चेंज हो गया, वॉइड रेशियो चेंज हो रहा है मतलब वॉल्यूम इनके बीच का गैप चेंज हो गया, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो सेम रहेंगे, दैट मींस वी विल कंसीडर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ बोरो पिट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ फिल। हम दोनों केस में ये इक्वेशन याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि मिट्टी कहीं से निकाल रहे हैं कहीं पर डाल रहे हैं, तो हम ये देखो बोरो पिट से जितनी मिट्टी निकालोगे आप बोलोगे कि सर आपने इन दोनों का वॉल्यूम कैसे सेम कर दिया, किस कंडीशन पे, वो इसलिए चेंज कर दिया दोस्तों जितनी बोरो पिट से मिट्टी निकाल रहे हो उतनी तो फिल्म वेट करो ठीक है चलो बढ़ते हैं। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि भैया कहीं से मिट्टी निकाल रहे कहीं पर मिट्टी डाल रहे हैं, तो आप इस चीज पे आ रहे ना कि जहां से हम मिट्टी निकाल रहे हैं माना उसको वॉइड रेशियो अलग है, बट जहां पर हम मिट्टी फिल करेंगे उन दोनों के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होंगे, हाँ उनके बीच का गैप चेंज हो सकता है जो कि दिखा भी रहा है यहां पर वॉइड रेशियो अलग अलग है। तो ठीक है हम कंडीशन लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन बोरो पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ फिल जहां पर हमें मिट्टी भरनी है। ठीक है तो क्या करते हैं, देखो वी हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ध्यान से देखना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोरो पिट, ध्यान से देखना 1 plus E1, ध्यान से देखते आना इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, भाई जितना सॉइल बोरो पिट से निकलेगी उतनी ही आपकी राइट, ठीक है इज इक्वल टू 1/4 क्योंकि दोनों के वॉइड रेशियो अलग अलग है, दोनों के क्या वॉइड रेशियो आपके अलग अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। अभी वी क्या लिखा मैंने, भैया जितनी मिट्टी निकलेगी उतनी मिट्टी आपकी डलेगी, ठीक है वॉल्यूम, ठीक है अगर हम आगे की बात डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों के वॉइड रेशियो अलग अलग है, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं इसको यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है ये यार हमने उल्टा लिख दिया, बोरो पिट है ना तो ये E2 आएगा आपका ना, या फिर E1 ही लिख दूं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, बोरो पिट यार ये बोरो पिट हमारा एक्चुअली बाद में लिखा हुआ है ना, इसको हम E2 चलो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसको E2 कर देता हूं मैं E2 और इसको कर देता हूं E1, ठीक है। अब ध्यान से देखना जितनी मिट्टी निकलेगी मेरी बोरो पिट से निकली और गई कहां पर आपकी फिल के अंदर गई, दोनों के वॉइड रेशियो अलग अलग है, तो आपको नहीं लगता कि दोनों के वॉल्यूम अलग अलग होंगे, हाँ बोलोगे सब बिल्कुल अलग अलग होंगे। यहां पर मैंने लिया है बोरो पिट का तो ये हो गया बोरो पिट का वॉल्यूम और ये कौन सा वॉल्यूम आपका, ये E1 हमने फिल का लिया है तो ये आपका वॉल्यूम हो गया आपका फिल का, ध्यान से देखते जाना, ठीक है भाई। हमें बस इतना पता है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये लो बाद में देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और टोटल वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है,
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई। हमने बोरोपिट से मिट्टी निकाली और फिल्म में भरी, हमने बोरोपिट से मिट्टी निकाली और फिल्म में भरी, बट इतना है कि दोनों के वॉइड रेशियो, मैं बोलता हूं कि जो बोरोपिट से आपने मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम अलग होगा, मैं बोलता हूं जो फिल्म में आप मिट्टी डाल रहे हो उसका वॉल्यूम अलग होगा, क्योंकि दोनों के वॉइड रेशियो अलग अलग है, बट दोनों कंडीशन में सॉलिड्स जो होते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी भी चेंज नहीं होते, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज रहेंगे, वॉइड रेशियो चेंज होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ फिल्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ बोरोपिट, दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे। तो मैंने कंडीशन लगा दी V ऑफ फिल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई वन इज इक्वल टू V ऑफ बोरोपिट इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू। समझ में आ गया, इन दोनों का वॉल्यूम तो अलग अलग रहेगा, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। इसके बाद मैंने क्या करा, देखो ऐसे क्वेश्चन करने में विद्यार्थी जरूरी होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फिल कितना है, 1.5 लाख, 1,50,000 वॉल्यूम ऑफ फिल है ना, ये 1,50,000 डिवाइडेड 1 प्लस, इसका वॉइड रेशियो कितना था, 0.8 इज इक्वल टू वॉल्यूम, हमें फाइंड किसका करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसने पूछा कि बोरोपिट से कितने वॉल्यूम में मिट्टी निकालोगे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट को फाइंड करना है अपॉन में 1 प्लस, बोरोपिट का वॉइड रेशियो कितना था, 1.4 अपॉन 1.4। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कर ही लेता हूं ना, देखो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय ये 1 प्लस 1.4 2.4 इधर आगे 2.4 जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 1.8 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 लाख। तो वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट, जो बोरोपिट से मिट्टी निकालोगे वो 2 लाख होगी, 2 लाख क्यूबिक मीटर। अब देखो ऑप्शन में 2 लाख क्यूबिक मीटर है क्या, बिल्कुल है 2 लाख क्यूबिक मीटर, आप समझो मेरे पास। तो कहीं से भी मिट्टी निकालेंगे आप, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मिट्टी निकाली मिट्टी डाली, वॉइड्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि वॉइड रेशियो चेंज है, और वॉइड रेशियो फॉर्मूला था वीवी अपॉन वीएस, बट जहां से मैं मिट्टी निकालूंगा और जहां पर मिट्टी डालूंगा उसमें जितने भी सॉलिड्स होंगे उनका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और टोटल वॉल्यूम का रिलेशनशिप था, तो मैंने इसको इस तरीके से यूज कर दिया, आप समझो मेरी बात, मैंने क्या करा इस तरीके से इसको यूज कर लिया। सिंपल सी बात है, जितनी मिट्टी मैं बोरोपिट से निकालूंगा उसका वॉल्यूम कुछ अलग होगा, जितनी मिट्टी अब मैंने फिल्म में डाल के उसको कॉम्पैक्शन कर दिया तो वॉइड रेशियो कम हो जाएगा, भाई जब कॉम्पैक्शन करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाती है, जब कॉम्पैक्शन करते हैं तो दो वॉइड्स कम हो जाते हैं, तो वॉइड रेशियो घट गया, वॉइड रेशियो घट गया तो आपका ऑफिस भी जो टोटल वॉल्यूम है वो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, तो इसका वॉल्यूम मेरा अलग लिखा जाए हो, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो उस क्वेश्चन को आप लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी, वापस से ही आपके पास सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी का आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गामा डी इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड 1 प्लस वाटर कंटेंट, ये रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या पूछा है, सैचुरेटेड और ड्राई डेंसिटी आपको देकर रखी हुई है, सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी आपको देकर रखी हुई है, वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, तो इसको वैल्यू पुट कर दो, यहां पर आपका वाटर कंटेंट निकल कर आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या हमारा देख लेते हैं एक बार, अ सॉइल सैंपल, ये क्या हो रहा है इसमें, अच्छा ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 को मैं इस तरीके से छोड़ता हूं आपके सामने, ये लो ठीक है, ऊपर नीचे जगह खाली हो जाएगी। मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले करो इंपॉर्टेंट टिप, 3 स्टार, मैं फिर बोलता हूं ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जिसको भरोसा है, देखो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप कर ही नहीं पाओगे, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप 100% करके आओगे। मैंने क्या बोला, आपने खुद कर रखे हैं तो अच्छा, अगर नहीं कर रहे हैं कर रखे हैं तो मैं कराऊंगा, आपने कर रखे हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो सरकार के लिए, नहीं कर रखे हैं तो मैं करा रहा हूं, आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो सरकार के लिए, बट जिसने नहीं कर रखे हैं और जो अभी भी नहीं कर रहा है तो फिर प्लीज जब आपका एग्जाम, यार देखो मैंने आपसे क्या बोला, आप जो लोग थक गए ना कि आपके साथ इतने क्वेश्चन कौन करेगा, आप लोग सीरियसली जिसके मन में भी ये चीज आ गई कि सर इतना थोड़ी पढ़ना पड़ता है, तो फिर आप उसी कैटेगरी में हो जो 1.5 साल तैयारी करने के बाद फिर ये बोलता है कि सर मैंने मेहनत बहुत करी, ये होती है मेहनत, इसको बोलते हैं मेहनत, पहले बेसिक्स पढ़ना, फिर डिटेल पढ़ना, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर प्रीवियस पेपर। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप इंडिया का कोई सा भी पेपर उठा लो, एग्जैक्टली गेट को छोड़कर
गेट का पेपर मत उठाना, गेट एक अलग कहानी होती है, गेट का मेरा टारगेट भी नहीं है, मेरा टारगेट है ऑल जेई एंड ऑल एई एग्जाम्स। ऐसे क्वेश्चन आपके जेई में भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके असिस्टेंट इंजीनियर में भी आ सकते हैं, ठीक है। इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट, इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट, सॉइल का सैंपल है जिसका वेट देकर रखा है 0.18 kg, सॉइल का एक सैंपल है जिसका वेट देकर रखा है 1.8 kg। इस सॉइल सैंपल का जो वॉल्यूम है, देखो सॉइल का सैंपल देकर रखा है, सॉइल सैंपल देकर रखा है, सॉइल सैंपल का जो वेट है, टोटल वेट बोल रहा हूं मैं 0.18 kg। इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम भी देकर रखा हुआ आपके सामने 10^-4 क्यूबिक मीटर, टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम एंड ड्राई यूनिट वेट, एंड ड्राई यूनिट वेट इसने आपको देकर रखा हुआ है 160 kg पर क्यूबिक मीटर, इज मिक्स्ड विद 0.02 kg ऑफ वॉटर, देन द वॉटर कंटेंट इन द सैंपल विल बी, देन द वॉटर कंटेंट इन द सैंपल विल बी। एक काम करो, आपको ये लगता है ना कि सर मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, आपने सारे रिलेशनशिप करे हुए हैं ना, आपने सारे रिलेशनशिप करे हुए हैं ना A to Z, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। आप अपने आपको थोड़ा टेस्ट करो, आपको लग रहा है ना मैं तैयारी करता हुआ चल रहा हूं, सर की तैयारी कर रहा हूं ना, मैं कर रहे हो ना आप तैयारी, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, मेरे लिए तो ये मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो पहले। और मैं जिसको वैल्यू दिख रही है यहां पर 160 लिखा हुआ है, 160 है ना, आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करो, सारी वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दी, मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है, क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूं। एक सॉइल सैंपल है, उसका वेट 0.18 kg है, ठीक है भैया, उसका वॉल्यूम इतना है, इसी सॉइल सैंपल का ड्राई यूनिट वेट आपको देकर रखा हुआ है इतना, फिर इसने बोला ड्राई यूनिट वेट कितना 160 kg पर क्यूबिक मीटर, फिर इसने बोला कि ये जो सॉइल सैंपल था ना, इस सॉइल सैंपल में वॉटर एड कर दिया गया, इस सॉइल सैंपल में वॉटर एड कर दिया गया है, और इस वॉटर आप ध्यान से देखना, इस वॉटर का जो वेट है जो बाद में स्मेल्ट करा गया है वो 0.02 kg है। आप पहले एक सॉइल सैंपल था, फिर उसमें बाद में और वॉटर एड कर दिया, ठीक है, अब आप ये बताओ कि जब आपने और वॉटर एड कर दिया तो अब इसका वॉटर कंटेंट कितना है, अब इसका वॉटर कंटेंट कितना है, एक बार आप मुझे इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना तभी मजा आएगा, मैं तो कर दूंगा, मैं कह रहा हूं कितने लोग तैयारी ढंग से कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो पहले, सॉल्व मैं आपके सामने से हट रहा हूं, सॉल्व करो, आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूं, एक सॉइल सैंपल था, वेट उसका टोटल वेट इतना था, वॉल्यूम इतना था, ड्राई यूनिट वेट इतना था, उसके बाद इन्होंने और पानी ऐड कर दिया इसमें, तो बताओ अब वॉटर कंटेंट कितना है। उसके लिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो यहां पर हमारी बनती है 2 कंडीशन कि फर्स्ट, देखो पहले भी सॉइल सैंपल था, सॉइल सैंपल था भाई साहब, मैं आपको चीज बोल देता हूं, आप लोगों की गलतफहमी दूर कर देता हूं, जहां पर इसने ड्राई यूनिट वेट देकर रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि सैंपल ड्राई है, जहां पर इसने ड्राई यूनिट वेट देकर रखा हुआ है इसका यह मतलब नहीं है कि सैंपल ड्राई है। अगर आप समझने की कोशिश करो, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर पहले तो ये ड्राई सैंपल था, अरे भैया सैंपल का ड्राई यूनिट वेट देकर रखा है, उसने ये तो नहीं बोला है अ ड्राई सॉइल सैंपल, क्या देखो ध्यान से देखना, कहने का मतलब ये है क्या उसने सॉइल सैंपल के आगे आपके ड्राई लिखा हुआ है, ड्राई लिखा हुआ है, अगर कोई ड्राई सैंपल होगा तब उसके अंदर वॉटर कंटेंट जीरो होता है, इसने कहीं भी बंदे ने ड्राई सैंपल नहीं लिखा, सॉइल सैंपल है उसकी इसने ड्राई यूनिट वेट देकर रखी हुई है, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ गया, अब ध्यान से देखना, तो दैट मीन्स आपको वॉटर कंटेंट यहां पर 2 कंडीशन में डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक तो ये वाला, जब ये 3 कंडीशन आपके पास है 1, 2, 3, उसके बाद सेकेंड
जब एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया गया। भैया मजाक समझ रहे हैं क्या सरकारी की तैयारी को? मेरे साथ सारे क्वेश्चन करके देखना, पता लग जाएगा सरकारी की तैयारी होता क्या है। और मैं जो बोलता हूँ ना टारगेट 90 प्लस, ये हवा में नहीं बोलता, मैं क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल क्वेश्चंस है। ठीक है भाई, चालू करते हैं आगे। तो सबसे पहले वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बताओ। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स इन 200। सर ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है। मैं बोलूंगा ठीक है, आप पहले जो सॉइल सैंपल था इसका वाटर कंटेंट फाइंड करो, जो सॉइल सैंपल था इसका वाटर कंटेंट का फाइंड करो। तो सर वाटर कंटेंट कैसे फाइंड करें? वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। क्या आपको वेट ऑफ सॉलिड्स देके रखे हुए? क्या आपको वेट ऑफ सॉलिड्स देके रखे हुए? बोलोगे नहीं सर कहीं पर भी वेट ऑफ सॉलिड नहीं है। मैं बोलूंगा है, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ड्राई यूनिट वेट इंटू सॉइल का टोटल वॉल्यूम। अगर मुझे किसी भी सॉइल सैंपल का वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है, अगर मुझे किसी भी सॉइल सैंपल का वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है, तो मैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट? भाई मास का फॉर्मूला होता है ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बट हम वेट की बात करें तो डेंसिटी को कौन रिप्लेस कर देगा? यूनिट वेट रिप्लेस कर देगा। अगर कोई मिट्टी सूखी है, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से देखना, मैं ये नहीं बोलता कि सॉइल सैंपल, यहां पर से ड्राई सॉइल सैंपल नहीं लिखा मैं, अभी ओनली सॉलिड्स का, मैं अभी ओनली आपके सामने सॉलिड्स का वेट निकाल रहा हूं, अभी आप देखते जाना सारी कहानी। तो उसके लिए मैंने क्या करा, जो ड्राई यूनिट वेट था, जब मैं ड्राई यूनिट वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा ओनली वेट ऑफ सॉलिड्स। एक बार देखते हैं कितना देकर रखा है ड्राई यूनिट वेट, 160 है ना यार, 1600 एक जीरो हट रहा है आपके यहां से, अच्छा हमने देख लिया, ये 1600 है, ये दिख नहीं रहा है पे, कट रहा है, 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर है, अच्छा वो मैंने देख लिया, 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, कितना है 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम कितना सॉइल मास का 10^-4 क्यूबिक मीटर, तो देख सकते हैं हम यहां पर 10^-4 1, 2, 3, 4.16, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है ना, ये मास मास का ध्यान रखना कि सर वेट तो न्यूटन में होता है, चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, आप डेंसिटी की जगह कर सकते हो, जहां पर स्पेशली हमें ध्यान नहीं देना कि भाई यूनिट हमें क्या रखनी है, इस तरीके से चलने दो, ठीक है, यानी कि सर वेट तो न्यूटन में होगा ना सर, आप चलने दो, डेंसिटी कितनी, डेंसिटी और यूनिट वेट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जब तक मुझे किसी इक्वेशन में यूज ना करना पड़े, ठीक है। तो जो मेरा वेट ऑफ सॉलिड्स है वो 0.16 केजी है, ये जो मेरा सॉइल सैंपल था जब तक मैंने इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करा था, इसका वेट ऑफ सॉलिड्स था 0.16 केजी, इस सॉइल सैंपल का टोटल वेट कितना था 0.18 केजी सॉइल का सैंपल था। अब ध्यान से देखा मित्रों, सॉइल सैंपल का वेट 0.18 केजी था, जब मैंने सॉइल के सॉलिड्स कैलकुलेट करे तो वो ओनली 0.16 केजी आ रहे हैं, तो जो अगला वेट बच रहा है, जब सॉलिड का वेट कैलकुलेट करा तो 0.16 केजी आ रहा है, जब वेट ऑफ वाटर, जो टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल है वो 0.18 केजी आ रहा है, एयर का वेट तो होता नहीं है, तो भैया मित्रों क्या बचा, बचा वाटर, दैट मींस इस सॉइल सैंपल के अंदर वाटर था। आया मजा समझ में? आई सरकारी की तैयारी इस तरीके से होती है, हलवा नहीं है भाई साहब, सोचना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। अगर इस सॉइल सैंपल का जो वेट देकर रखा हुआ है, अगर ये ड्राई सैंपल होता ना, तो ये जो मैंने ड्राई सॉलिड्स का वेट मैंने कैलकुलेट कराया ना, ये और ये दोनों बराबर आते, सॉलिड्स का वेट कितना आ रहा है भैया, सॉइल में तीन चीजें होती है, सॉलिड एयर एंड वाटर, सॉलिड का वेट कितना आ रहा है 0.16 केजी, टोटल सॉइल सैंपल का वेट कितना है 0.18 केजी, दैट मींस इनमें पानी है क्योंकि एयर का तो वेट ही नहीं होता, तो दैट मींस अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे WW चाहिए, अगर मुझे WW चाहिए, अगर मैं बोलूं जब सॉइल सैंपल में आपने एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करा था, जब सॉइल सैंपल में आपने एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करा था, तो वाटर कंटेंट कितना था, इस 0.18 में से 0.16 केजी को माइनस कर दो तो वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, 0.18 में से 0.16 केजी माइनस करूंगा तो वेट ऑफ वाटर निकल के आएगा 0.02 केजी। ये मास और वेट का कोई डिफरेंस नहीं है कि सर मास होता है केजी, तो वेट वेट चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
तो हमने जब पानी को एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा था, जब पानी हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा था, तो मेरा सोयल सैंपल का जो वेट ऑफ वाटर था वो 0.002 केजी था। अब भाई ने क्या करा, भाई ने 0.02 केजी और इसके ऐड करने से पहले ये वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर था सॉइल के अंदर, इसको ऐड करने से पहले ये वेट ऑफ वाटर था सॉइल के अंदर, और जब उसने ऐड कर दिया तो अब सॉइल सैंपल में वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, भैया पहले से ही 0.02 केजी था, भाई ने 0.02 और ऐड कर दिया, तो जो टोटल अब पानी ऐड करने के बाद जो वेट ऑफ वाटर बना 0.04 केजी बना। अब निकाल लो वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर आ गया, पहले था 0.02 केजी पानी ऐड करने से बिना, मतलब पानी ऐड करने से पहले, और जब और एक्स्ट्रा पानी इसने ऐड कर दिया तो आपको 0.02 इसने ऐड करा तो बन गया आपका 0.04 केजी। अब मेरे को वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, तो वेट ऑफ वाटर कितना है मेरे पास, अब 0.04 केजी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स कितना था, 0.16 केजी, 0.16 केजी। तो 0.04 को मैं अभी बताता हूं, ये मेरा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है, स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट नहीं है, वेट नहीं है, जो टोटल वेट है उसको मैंने कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा, जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट ये स्मॉल डब्ल्यू लगाओ यहां पर, वाटर कंटेंट मतलब स्मॉल डब्ल्यू है ना। तो वाटर कंटेंट जो हमने फाइंड करा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.16 मल्टीप्लाई बाय 100, भाई साहब 25% आंसर आ रहा है मेरा, 25% आंसर है मेरा, लिख लो इस क्वेश्चन को, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक चीज और, अभी तो लिखने का टाइम दे रहा हूं आपको, कितने लोगों को ये क्वेश्चन पहले से आता था, ये क्वेश्चन उन लोगों को ही पहले से आएगा जिसने इस टाइप के क्वेश्चन पहले से कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आप समझ में आया, जो स्टेज टू में मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप कितना भी डिटेल में पढ़ लो, आप कितना भी डिटेल पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होता। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता ना, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इन जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। लिखो उसको पूरा का पूरा, लिख लिया होगा आपने, चलो आगे चलो पढ़ते हैं, कॉल पर बातें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कैसे कर देते हैं, अरे मैं तो भैया ऐसे ही परेशान हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो उसका आंसर कितना था जो भी आया देख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 से इजी सा है, ऐसे क्वेश्चन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वीवी बाय वीएस, ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है, वीवी बाय वीएस, पोरोसिटी वीवी बाय वीएस, तो ऐसे क्वेश्चन आया आप खुद कर लेना, ये हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़े हुए, इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसलिए लिए हुए, तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद ही प्रैक्टिस कर लें, मेरा क्वेश्चन आया इजी से क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 26, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इन विच, इजी क्वेश्चन है, पोरोसिटी का क्वेश्चन है, बता देखो आपका टाइम वेस्ट, मैं बता दूंगा, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, पोरोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, वीवी बाय वी, ठीक है, इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस, इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन, the total volume of solid grains, that is volume of solids, total volume of solid grains, volume of solids is equal to twice the volume of voids, twice the volume of voids, easy sir question hai yaar, jo volume of solid, jo volume of soil grains hai, matlab volume of solids hai, is equals to twice the volume of voids, to agar main total volume ki baat karu to two bhai volume dekho, oho वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना है 2VV प्लस 2VV, तो दैट मींस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब पोरोसिटी की बात करनी है तो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना रहा मेरा 3VV, वीवी से वीवी कैंसिल, इज इक्वल टू 1/3 33%, ऐसे लंबे क्वेश्चन या टाइम वेस्ट होगा हमारा, है ना, इससे क्वेश्चन को नहीं करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ठीक है। अ सैंपल, हाँ जी ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इसको देखो, इजी से क्वेश्चन यार आपके टाइम वेस्ट होगा, अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड सैंड, अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड सैंड has a dry unit weight of 18 kN per cubic meter. अरे यार ये भी इजी सर मैं बता देता हूं आपको, नहीं इजी क्वेश्चन कैसे, a sample of saturated sand has a dry unit weight, gamma d आपको देख रखा हुआ है,
18 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 18 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपका गामा डी देकर रखा हुआ है, जी एस देकर रखा हुआ है, गामा वाटर देकर रखा हुआ है, ठीक है। द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल, आपको ये बहुत इजी सा है, देखो आपको जितना भी लेक्चर नंबर 7 में आपको रिलेशनशिप बताए हैं वो आपको एक एक रिलेशनशिप याद रखना है, ठीक है। आपका गामा वाटर देकर रखा है, वॉइड रेशियो, आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, कौन सा फॉर्मूला, गामा डी इज इक्वल्स टू जी। अब ड्राई डेंसिटी है तो उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं आता है, गामा ऑफ वाटर 1+E, ये रिलेशनशिप है। लेक्चर नंबर 7 में आपको बताया हुआ है कि देखो मैंने आपको बहुत सारे बताते हैं, गामा सैचुरेटेड बताया था, गामा सबमर्स्ड बताया था ना, तो हमने रिलेशनशिप देखे थे। जैसे मैं आपको बताता हूं गामा क्या होता है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, जी प्लस एस ई अपॉन 1+E मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ वाटर। अब डिग्री जब ये सैचुरेटेड बन जाता है तो ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल में आती है, तो फॉर्मूला बनता है जी प्लस ई 1+E। और जब ये आपका ड्राई डेंसिटी में बनता है तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपकी 0 बन जाती है और ये वैल्यू आपकी 0 बन जाती है, तो जी 1+E, देखो जी 1+E और मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ वाटर। तो इसने आपको क्या क्या देकर रखा हुआ है, ठीक है, इसने गामा डी, देखो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट है, इसने आपको गामा डी देकर रखा है, यहां पुट कर दो, इसने आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.7 देकर रखी हुई है, यहां पुट कर दो, गामा वाटर देकर रखा है, ये रहा गामा वाटर इज 10 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, हमने 9.81 पढ़ा था, 9.81 किलोन्यूटन, तो 10 उसने रख दिया, ये पुट कर दो। बंदे ने पूछा क्या है, वॉइड रेशियो, यहां पर ई आपने लिखा, तो टाइम वेस्ट है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ मैं आपको सॉल्व करना सिखा सकता हूं, ये रिलेशनशिप भाई साहब, नीचे आना कि जितने भी मैंने आपको लेक्चर दिए है ना उसमें लेक्चर नंबर 7 को आपको ना बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप मैंने आपको लिखाए हुए हैं, उस लेक्चर में बनाए क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे नहीं, ये रिलेशनशिप में आपको पहले लिखा चुका था, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राई सैंपल, अ ड्राई सॉइल सैंपल हैज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स एंड वॉइड्स, द वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, यार इजी सा है, कराया हुआ क्वेश्चन है, कैसे मैं डिस्कस कर लेता हूं, देखो इजी से क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट होता है यार, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड वॉइड्स, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपके बराबर देख रखा है, द वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार, टोटल वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, वीवी बाय वीएस, तो आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल है, तो 2VV आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, वॉइड रेशियो चाहिए ना, तो ई इज इक्वल टू वीवी बाय वीएस, यहां से दोनों वॉल्यूम इक्वल है, 1 बन जाएगा, एंड पोरोसिटी, एंड पोरोसिटी एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये वीवी, टोटल वॉल्यूम कितना था मेरा, 2VV अपॉन 2VV, तो वीवी से वीवी कैंसिल, दैट मींस 50%, तो वॉइड रेशियो आ रहा है आपका 1, वॉइड रेशियो आ रहा है आपका 1 एंड पोरोसिटी आ रही है आपकी 50%, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये लास्ट वाला, इसके साथ ही 50% देकर रखा हुआ, ठीक है, तो ये आपका आंसर इतना लो सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अ सॉइल सैंपल हैविंग अ वॉइड रेशियो वाटर कंटेंट स्पेसिफिसिटी, ठीक है भाई ये थोड़ा देख लेते हैं, अ सॉइल सैंपल देख लेते हैं इसको, अ सॉइल सैंपल हैविंग अ वॉइड रेशियो, सबसे पहले वॉइड रेशियो लिख लिया कितना है 1.3, वाटर कंटेंट कितना है भैया 50%, वाटर कंटेंट कितना है 50%, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है आपकी 2.60, आपको यह बताना है कि जो सॉइल सैंपल है वो पार्शियल सैचुरेशन में है, मैं थोड़ा सा पार्शियल सैचुरेशन में, फुल सैचुरेशन में, ओवर सैचुरेशन में या अंडर सैचुरेशन में, देखते हैं। अगर हमें ये देखना है कि सैचुरेशन 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 सैचुरेशन, सो वी हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और ये तीनों देखो, इन तीनों का मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस इंटू ई, यहां से आप एस को कैलकुलेट करो, सबसे पहले एस को कैलकुलेट करते हैं, जी एस ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय ई, ठीक है, जीएस कितना देखा रखा है 2.60, वाटर कंटेंट कितना है 0.50, डिवाइडेड बाय वॉइड रेशियो कितना है 1.3, अब यहां से जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी वो हमें बताई थी, क्या है ये फाइंड कर लेता हूं मैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 1.3 से 2.6 टू टाइम्स कट गया, 2 से 0.5 मल्टीप्लाई होगा आपका 1 बन गया, और जब S इज इक्वल टू 1 होता है तो सॉइल मींस फुल्ली सैचुरेटेड, जब आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 के इक्वल आता है तो सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेटेड होती है, फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब क्या है,
सॉइल में जितने भी वॉइड्स हैं वो सबके सब वॉइड्स आपके पानी से भरे हुए हैं। सॉइल में जितने भी वॉइड्स हैं वो सबके सब आपके पानी से भरे हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड इसका आंसर आप टिक कर लेना। ठीक है, अब द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सैंड सैंपल इज इतना। ये रिलेटिव डेंसिटी का है, रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन है। नेचुरल वॉइड रेशियो देकर रखा हुआ है, डेंसिटी इंडेक्स देकर रखा हुआ है, वॉइड रेशियो देकर रखा हुआ है। वॉइड रेशियो में तो यार भी छोटी यार, E max minus E minimum, इसने आपसे void ratio in the densest state, मतलब density, dense state में void ratio minimum होता है, आपसे इसने ये पूछा हुआ है। देखो loose में void ratio ज्यादा होता है, जब soil dense होती है तो void ratio कम होता है, तो इसने यहां पर आपको ये नहीं लिखा कि आपको maximum या minimum find करना है, इसने आपको लिखा हुआ है कि आपको densest state में find करना है। जब soil densest state में होता है तो void ratio आपका मिनिमम होता है, तो वैल्यू पुट कर देनी है और डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 31 बकवास आता है इसलिए लिया हुआ है। आप बोलोगे सर बकवास तो आपने लिया हुआ क्यों है, क्योंकि आता है इसलिए लिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। टू सॉइल सैंपल्स ए एंड बी, दो सॉइल सैंपल देके रखने ए और बी। ए की पोरोसिटी है 40%, बी की पोरोसिटी है 60%। पोरोसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सॉइल ए है उसकी पोरोसिटी है 40% और बी की पोरोसिटी है 60%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो? आपको जी पोरोसिटी देके रखी हुई है, आपको पता है एन इज इक्वल टू ई वन प्लस ई, या हम इसको ई में कन्वर्ट करते हैं, ई इज इक्वल टू एन वन माइनस एन। देखो एन और ई का रिलेशनशिप और ई और एन का रिलेशनशिप, जब मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई कर लूंगा और इस फॉर्मूला को ई की टर्म में लिखूंगा तो मेरा ये रिलेशनशिप आता है। तो इसने आपसे ये पूछा है तो मैं लिख देता हूं ई ए by EV पूछा रहा है, समझ ले रहे EA by EV। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आया नहीं है, तो ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखना EA क्या हो जाएगा, EA EA NA NA, और जब मैं EB लिखूंगा तो NB NB, तो मैं लिख देता हूं NA अपॉन में 1 माइनस NA, ये हो गया ठीक है। और अब EB नीचे आएगा NB और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस NB, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए भी नीचे लिखा हुआ है तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। एन ए कितना दे रहा है लड़के ने, लड़के ने देख रखा 40% 0.4 मल्टीप्लाई हुआ है 1 माइनस एन बी कितना दे रहा है 0.6 परसेंटेज सिंपल हटा दिया मैंने 100 से डिवाइड कर दिया अपॉन में 1 माइनस एन में 1 माइनस 0.4 और मल्टीप्लाई बाय 0.6 ठीक है जी। सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1 माइनस 0.6 कितना होता है 0.4 ठीक है। अरे 0.4 ये देखो 1 माइनस 0.6 0.4 होता है और 1 माइनस 0.4 0.6 तो 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.6 का स्क्वायर बन रहा है 0.4 का स्क्वायर ठीक है 0.4 मतलब 0.4 डिवाइडेड बाय 0.36 0.44 आ रहा है दोनों का रेशियो 0.44 आंसर है। अरे यार शानो ने इस तरीके से देख रखा हुआ है क्या, फ्रैक्शन में देख रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख लेता हूं इनमें से किसका रेशियो 0.44 आ रहा है, 2/3 0.66 3/2 तो 1.5 हो जाएगा 4/9 0.44 ये हमारा आंसर है। समझे मैंने क्या करा भाई, हमने इस तरीके से भाई हमें पता है कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का रिलेशनशिप ये होता है। इस बंदे ने वॉइड रेशियो का रिलेशनशिप पूछा था तो मैंने इस फॉर्मूले को वॉइड रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने वॉइड रेशियो में कन्वर्ट करा तो मैंने क्या करा, एक बार वॉइड रेशियो लिया सॉइल ए का और उसको वॉइड रेशियो सॉइल बी से डिवाइड कर दिया तो एनए जब वॉइड रेशियो देखो ईवी क्या बनेगा, ईवी बनेगा आपका एनबी 1 माइनस एनबी भाई यही तो बनेगा। तो मैंने क्या करा ऊपर ये ए की वैल्यू लिख दी और नीचे मैंने ईवी की वैल्यू लिख दी, जब इसको सॉल्व करा तो मेरा आंसर रहा 0.44। फिर मैंने देखा कि इसमें पॉइंट में आंसर देके नहीं रखा हुआ, इसमें फ्रैक्शन में आंसर देके रखा हुआ है तो मैंने दो को तीन से डिवाइड करा तो ये 0.66 आया, ये 0.66 आया। जब 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा, बट जब मैंने 4 को 9 से डिवाइड करा तो मेरा 0.44 ही आ रहा है, तो मेरा आंसर दोस्तों ये ही है। आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो क्योंकि ये नया क्वेश्चन है तो मैं आपको इसके लिए टाइम दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। अब देखो ये जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है ना ये आप लोग खुद करो, क्योंकि ये जब हम लोग लेक्चर पढ़ रहे थे अपना तो ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन यार ये सब कुछ लिखा दिया है तो उसमें टाइम उसमें नहीं करूंगा ठीक है। अब ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है, सबमर्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है तो ये आपको बताया हुआ है,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, जो डिफरेंट होगा उसमें कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट आर द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वर्ड रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। व्हाट आर द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वर्ड रेशियो। इसने आपसे वर्ड रेशियो पूछा है, पोरोसिटी पूछा है, एंड सैचुरेटेड डेंसिटी गामा सैचुरेटेड इसने आपसे पूछा है। सैचुरेटेड डेंसिटी गामा सैचुरेटेड इसने आपसे पूछा है इन किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। क्यों, वैसे भी किलोन्यूटन में आपकी यूनिट वेट आता है, डेंसिटी नहीं आती है। फॉर अ सॉइल सैंपल विच हैज, अब देखो फॉर अ सॉइल सैंपल विच हैज, इस वर्ड को टिक कर लो, सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट। दैट मींस इसने बहुत तरीके से ये बोल दिया है कि सॉइल, देखो क्या लिखा हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट सिंपल नहीं लिखा हुआ। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वॉटर कंटेंट। इसने वॉटर कंटेंट आपको डायरेक्ट ना लिखते, उसके आगे एक वर्ड ज्वाइन कर दिया, सैचुरेशन। दैट मींस सैचुरेटेड सॉइल मान लो इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है आपकी, 1 या 100%। ठीक है, ऑफ 20% स्पेसिफिक ग्रेविटी, आंसर नहीं है, ऑफ 20% स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स भी इसने देख रखी हुई आपको 20%। अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूं, ऑफ ग्रेन्स। अच्छा, वॉटर कंटेंट इसे 20% दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी से 2.6 दे रखी है, वॉटर कंटेंट इसने आपको 20% देके रखा हुआ है। ठीक है भाई, क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक वर्ड इसने बहुत तरीके से घुमाया हुआ है, सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट। सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉइल मास, और सैचुरेटेड सॉइल मास पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन या तो 1 होती है या 100% होती है। ठीक है, अगर मैं 100% को परसेंटेज सिंबल रिमूव कर दूंगा तो 100 को 100 से डिवाइड करूंगा और सैचुरेशन आपको बना रहता है। तो सबसे पहले इसने आपसे पूछा है वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो इसने आपसे पूछा होगा। ठीक है, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका वीवी बाय वीएस। वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू वीवी बाय वीएस। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, देखो हमें क्वेश्चन को रटते हुए नहीं चलना है, हमें क्वेश्चन को रटते हुए बिल्कुल भी नहीं चलना है। वॉइड रेशियो जब भी सिंबल, जब भी वॉइड रेशियो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, आपको सबसे पहले वॉइड रेशियो का ये वाला फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा। फिर मैंने क्वेश्चन में देखा क्या मुझे कहीं पर भी वॉइड रेशियो के लिए जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है वो देखे रखे हुए, बोलोगे नहीं सर नहीं देखे रखे हुए। मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखे रखे हुए, आप बोलोगे नहीं देखे रखे हुए। अब दैट मींस हमें इंटर रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, और अगर आप ध्यान दो ई एस जी और डब्ल्यू इनका इंटर रिलेशनशिप होता है क्या, जी एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाय वर्ड रेशियो। एट द एंड मुझे वर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है, बट वर्ड रेशियो का वीवी बाय वीएस नहीं देख रखा था, तो मैं इंटर रिलेशनशिप पे गया। दैट मींस इन चारों का एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है, और जैसे कि आप जानते हो कि यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 1 है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा 1, तो दैट मींस स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स ने आपको देख रखी हुई है 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड देख रखी 2.6, वाटर कंटेंट 20%, तो पुट कर देते हैं 2.6 मल्टीप्लाई बाय वाटर कंटेंट कितना देखा है 20%, परसेंटेज सिंबल रिमूव कर रहा हूं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, तो आप याद रखते होंगे कि आपको यहां से वर्ड रेशियो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, हल्का सा डिफरेंट है, आप लोग ये सोचते रह जाओगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहां पर क्या है, जिसने एक वर्ड यहां पर तरीके से घुमा दिया और एक वर्ड अगर से तरीके से घुमा दिया, तो इस एक वर्ड को पकड़कर आपको क्वेश्चन करना है। तो दैट मींस यहां से मेरा वर्ड रेशियो में कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.20 0.52, तो वर्ड रेशियो आ रहा है आपका 0.52। ठीक है भाई, ये वापस प्रश्न कर लेते हैं, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.20, हाँ जी 0.52। अब आपको पता है कि वर्ड रेशियो और पोरोसिटी में एक रिलेशनशिप है, क्या, पोरोसिटी इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1+ई, तो यहां से आपकी पोरोसिटी निकलकर आ जाएगी ई अपॉन 1+ई, तो दैट मींस पोरोसिटी हम लिख देते हैं ई अपॉन 1+ई। ठीक है, E upon 1+E, तो that is point 0.52, that means E कितना है मेरा 0.52, and 1 नीचे क्या 1+E, तो 1+0.52 divide, that means upon में आ जाएगा 1.52, तो यहाँ से मेरी porosity निकल के आ जाएगी 0.52 divided by 1.52, which is equals to 0.342, porosity मेरे पास निकल कर आ रही है
पोरोसिटी मेरे पास निकल कर आ रही है 0.342। तो देखा था ऑप्शन में, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, नहीं भैया आपको तीसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो क्यों? हमारा वर्ड रेशियो क्या है 0.52, ये रहा 0.52। हमारा पोरोसिटी क्या है 0.342, ये रहा 0.342। मुझे लगा था कि हमें इसके आगे कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, फिर मैंने ध्यान से देखा कि ये सेम दोनों इसमें भी है। तो दैट मीन्स, समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले मैंने देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका होता है, अगर सर आपसे तीन चीजें फाइंड कराई और मैं दो फाइंड करके देख चुका हूं, तो मैं देखूंगा कि ऑप्शन में इन ये दो वैल्यू किस किस में देके रखी है। तो इसमें शाड़ा ने इसमें और इसमें देके रखी है, दैट मींस हमें तीसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको गामा सैचुरेटेड कैलकुलेट करना है। गामा सैचुरेटेड का भी रिलेशनशिप होता है क्या, जी प्लस एक्चुअली एस ई होता है, चलो लिख देता हूं एस ई अपॉन 1+E मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ वाटर। ये आपका फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 है, तो ये S आपका 1 बन जाएगा और फाइनल ये फॉर्मूला बनेगा वो गामा सैचुरेटेड का क्या बनेगा, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू जी प्लस ई 1+E मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ वाटर, दैट मींस यूनिट वेट ऑफ वाटर व्हिच इज इक्वल्स टू 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और यू कैन से 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो जी कितना है मेरा, जी है मेरा 2.6, मैं लिख देता हूं यहां पर 2.6, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, प्लस ई, ई मेरा कितना आया है 0.52, ई मेरा आया 0.52। ठीक है, 1+0.52 और आप देख सकते हो, देखो मैंने आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर की दो वैल्यू बताई है, एक तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो यूनिट वेट ऑफ वाटर की हमने दो यूनिट वेट ऑफ वाटर की हमने दो वैल्यू रखी हुई है, या दो वैल्यू मैंने आपसे डिस्कस करी, तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और दूसरा 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो आप देख लो कि इसने फॉर्मूले में हर जगह क्वेश्चन में भी इसने किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, इसने हर जगह चाहे यूनिट वेट हो चाहे डेंसिटी हो, इसने हर जगह देखो ना सैचुरेटेड डेंसिटी आपको किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में डिटरमाइन करनी है। तो दैट मींस आपको जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो यहां पर आपको किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में पुट करना पड़ेगा, ग्राम पर सीसी में पुट नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं लिखूंगा 9.81 या हम 10 भी लिख सकते, हम 10 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 9.81 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो देख लेते हैं 2.6 प्लस 0.52 डिवाइडेड बाय 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 मेरा आ रहा है 20.52 मेरा आंसर 20.52 आ रहा है, बट इसे 20.52 नहीं आ रहा, 20.52 के बराबर आपका 20.14 है, दैट मींस इसका आंसर आपका डी है। तो देखो इजी क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपको ये चीज हल्की सी ध्यान रह जाए, एक वर्ड ने डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 पुट कर दिया है, अगर ये वर्ड आपने क्वेश्चन में नहीं पकड़ा तो आप अगर ये रिलेशनशिप यूज करोगे, देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप जो भी गिवन वैल्यू से वो लिख लोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि यार क्या क्या गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग आप ये रिलेशनशिप भी लिखोगे। बट अगर आपके पास एस की वैल्यू नहीं होगी तो एस की वैल्यू के अगर एस की वैल्यू नहीं होगी तो आप वर्ड रेशियो को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हमने वर्ड रेशियो को इसलिए कैलकुलेट कर पाए हम लोग क्योंकि हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 लिख दिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने क्वेश्चन से पकड़ा, सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट लिखा हुआ इसमें, दैट मींस डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पर 1 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लिखने का टाइम नहीं दूंगा, जो अच्छा क्वेश्चन होगा मैं आपको लिखने का टाइम उसमें दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या देखा इसमें, ठीक है क्या है क्वेश्चन नंबर 35, देखो जी वापस से फिल और बोरोपेट का क्वेश्चन आ गया, वापस से फिल और बोरोपेट का क्वेश्चन आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी फिल लिखा हुआ आपके पास आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए फिल का मतलब है जहां पर मिट्टी मुझको भरनी है, बोरोपेट का मतलब है जहां से मिट्टी मुझको निकालनी है। तो देखते क्वेश्चन क्या देखे रखा हुआ है, एम्बैकमेंट फिल इज टू बी कॉम्पैक्टेड, ऑब्वियसली जहां पर आप मिट्टी भरोगे वहां पर कॉम्पैक्शन करोगे क्योंकि कॉम्पैक्शन से डेंसिटी इंप्रूव होती है, डेंसिटी बढ़ती है और जब डेंसिटी बढ़ती है तो सेटलमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है कि दो लूज पार्टिकल है उनको पास में लाया जाए, कॉम्पैक्शन से दो लूज पार्टिकल पास में कब लेकर सकते हो, जब आप इनके बीच का गैप खत्म कर दोगे, जब इनके बीच का गैप खत्म कर दोगे तो मिट्टी आपकी सॉइल आपकी डेंस हो जाएगी और डेंस सॉइल का फायदा क्या होता है कि वो लोड ज्यादा ले सकता है, सेटलमेंट उसमें नहीं होता है। तो हम हमेशा कॉम्पैक्शन करते हैं कहीं पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आप कभी भी आपसे पूछे कॉम्पैक्शन क्या है बोलोगे सॉइल इंप्रूविंग टेक्निक, व्हाट इज कॉम्पैक्शन सॉइल इंप्रूविंग टेक्निक, आप सॉइल को इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, तो एम्बैकमेंट फिल इज टू बी कॉम्पैक्टेड एट अ डेंसिटी ऑफ 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसने आपको डेंसिटी दे दी है 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर।
अब मैं बोलूंगा क्या इसने सैचुरेटेड दी है, आप बोलोगे नहीं दी सर। मैं बोलूंगा क्या इसने आपको सबमर्स दी है, मैं बोलूंगा नहीं दी सर। ये कौन सी डेंसिटी है? जब भी किसी डेंसिटी के आगे कोई भी नाम लिखा हुआ ना आए तो आप उसको बल्क डेंसिटी मान लो। बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जो उसके टोटल वॉल्यूम से निकलती है, ठीक है भाई। बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, सबमर्स डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, ये सारी चीज डेंसिटीज मैं आपसे लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस कर चुका हूं। जब भी इस क्वेश्चन में डेंसिटी के आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, देखो सैचुरेटेड दी होती तो हम सैचुरेटेड मानते हैं, इसका सैचुरेटेड कुछ भी नहीं दिया तो हम इसको बल्क डेंसिटी, दैट मींस मैं इसको कंसीडर करूंगा गामा, ठीक है। जो फिल आपको बनाना है, जो फिल आपको बनाना है उसकी डेंसिटी आपको 18 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर रखनी है। जो फिल आपको बनाना है उसकी डेंसिटी आपको 18 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर रखनी है, अच्छी बात है, ठीक है। और इसे कुछ नहीं दिया। द सॉइल ऑफ द बोरो एरिया, द सॉइल ऑफ द बोरो एरिया इज एट डेंसिटी। देखो ये फिल के बारे में लिखा हुआ है आपके पास, और जहां से मिट्टी निकालनी है वो क्या होगा? बोरोपिट। जहां से मिट्टी हम निकालेंगे बोरोपिट, तो बोरोपिट का इसमें देख रखा है, जो बोरोपिट का एरिया है जहां से मिट्टी निकाल रहे हो वहां पर 15 किलो न्यूटन उसकी जो डेंसिटी है वो है आपकी 15 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, जहां से मिट्टी निकाल रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कि यहां पर डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, और जो इसको जहां पर मिट्टी फिल करनी है वो 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है। तो आप देख सकते हो कि 15 से 18 डेंसिटी बढ़ा दी इसने। डेंसिटी या यूनिट वेट, देखो मैं डेंसिटी बोल या यूनिट वेट लिखूं उसका एक ही मतलब निकालना आप लोग। डेंसिटी और यूनिट वेट में मैंने आपको बहुत डिफरेंस बता दी है। एक्चुअली सॉइल में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ा रहा हूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें यूनिट वेट और डेंसिटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बट सॉइल का हमें इतना ज्यादा ख्याल रखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो वैसे भी ये बेवकूफ है, अगर इसको पता है कि यहाँ पर किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर लिखा है तो दिस इज यूनिट वेट नॉट डेंसिटी, पर ठीक है चलने दो। हम अपनी यूनिट से पकड़ेंगे कि हमें क्या देकर रखा हुआ है, डेंसिटी देकर रखा हुआ है या यूनिट वेट देकर रखा हुआ है। इसके आगे के शब्दों पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे बात हम करें तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रिप्स। अरे वाह, इसने बोला जहां से मिट्टी आपको निकालनी है, जहां से मिट्टी आपको निकालनी है उसकी डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और जहां पर मिट्टी आपको फिल करनी है क्योंकि आप वहां पर कॉम्पैक्शन करोगे, कॉम्पैक्शन करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ गई है 3 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर से। व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रिप्स इफ 6 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी ट्रक फॉर हॉलिंग ऑफ सॉइल रिक्वायर फॉर द कॉम्पैक्टिंग 100 क्यूबिक मीटर फिल। अरे भैया लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आपको। ये वो क्वेश्चन होता है, आपने देखा अभी तो मेरे पास यूनिट वन स्टार्ट करी है, आप सोचो पूरी सॉइल मैकेनिक्स में ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे, और आप बोलते हो कि हम तैयारी कर लेते। मैं नहीं बोलता, मैक्सिम कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन आते भी होंगे, जिन लोगों ने अपनी बहुत मेहनत करी होगी तो उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जब मैं इस यूनिट वन के सारे, देखो मैं तो सारी यूनिट के इतने इतने क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, मेरे को धांधली तो करनी नहीं है कि मुझे टाइम पास करके पढ़ा दिया और हो गया। मैं तो आपको सारी यूनिट्स के ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसे टिपिकल टिपिकल। आप ये सोच रहे कि अभी हम ओनली सॉइल की यूनिट नंबर 1 और 2 कर, 1 और 2 मैंने मिक्स कर दी उस पर चल रहे हैं। अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए, अब आपको पता लगा तैयारी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ आप सॉइल मैकेनिक्स से पूरे क्वेश्चन देखो, आपने अभी तैयारी करी हुई है, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट ने तैयारी करी हुई है और उनका कोई एग्जाम बिगड़ गया, कोई भी आपने रिसेंट एग्जाम दिया है उनका एग्जाम बिगड़ गया, तो आप ये देखो कि इन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, एट द एंड एग्जाम में जो भी एग्जाम होगा लाइक एसएससी जेईई है तो उसमें सबसे पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। प्री क्वालिफाई करना टफ होता है, मेंस क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है। मेंस में आराम से नंबर आते हैं, मेंस में आराम से आपने अपने बीटेक और डिप्लोमा में नंबर स्कोर नहीं करे क्या? आपने अपने बीटेक और डिप्लोमा में नंबर स्कोर नहीं करे? कौन 6-6 महीने पढ़ता है? सेमेस्टर आपका 6 महीने का, 6 महीने पढ़ा गया आपने कभी? नहीं, लास्ट के 7-8 दिन पढ़ लेते हैं उसमें हमारे नंबर आ जाते हैं। तो सेम मेंस के साथ भी होता है। कहने का मतलब ये, पहले आपको अपना प्री पार्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्री पार्ट के बाद आप मेंस। मैं ये नहीं कहता कि प्री और मेंस का, देखो मेरी बातों का मतलब समझो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि प्री और मेंस का अलग अलग पढ़ो, बट मैं आपसे ये कहता हूँ कि जितना ध्यान आप मेंस में लगा रहे हो ना पढ़ने में, उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपको प्री में लगाना पड़ेगा। आप प्री और मेंस का साथ में पढ़ो, बट कहने का तात्पर्य ये है कि जितना ध्यान और मेहनत आपको मेंस में लग रही है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको प्री में लगेगी। इसी कारण मैंने अपना स्टेज 2 स्टार्ट करा था कि भैया बच्चों को प्री में एक्सपर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम एक्सपर्ट करने में लगे हैं, ठीक है। तो अगर आगे की बात ध्यान दें तो इसने क्या लिखा है कि भैया आप मान लो कहीं से मिट्टी खोद रहे हो और कहीं से मिट्टी डाल रहे हो, तो जहां पर मिट्टी डाल रहे हो वो तो बन गया फिल, और जहां से मिट्टी निकाल रहे हो वो बन गया आपको बोरोपिट। इसने बोला अब जो मिट्टी निकाल कर डालोगे,
वो ट्रक पर हेल्प लोगे आप, लेकिन जब हमारा घर घर बनता है तो ट्रक में सैंड आती है आपके पास, सॉयल आती है आपके पास, आती है ना, तो ट्रक जो होता है ना, जो जितने ट्रिप मारता है ना, जैसे मान लो आपने घर बनवाया, फाउंडेशन की आप सैंड मंगाओगे या आप अपनी कॉन्क्रीट के लिए सैंड मंगाओगे, तो क्या होता है ट्रक जितने भी तीन ट्रक मिट्टी आ गई तो ट्रक वाला फ्री में थोड़ी लेके आएगा, पैसे देगा ना, ट्रक का भी वॉल्यूम होता है। तो इसलिए बोला है कि अगर एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 6 क्यूबिक मीटर, एक ट्रक है, ट्रक की जो कैपेसिटी है, ट्रक की जो कैपेसिटी है, ट्रक के अंदर जो वॉल्यूम आ सकता है वो 6 क्यूबिक मीटर आ सकता है, ठीक है, फॉर हॉलिंग द सॉइल, मतलब सॉइल को लेकर आने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग 100 क्यूबिक मीटर फिल ऑफ द एम्बैंकमेंट। अभी एम्बैंकमेंट का मतलब क्या, फिल, मैंने बताया ना कि हम ग्राउंड लेवल से जब सॉइल को सॉइल भर भर के ऊपर का सॉइल फिल करके, जैसे मान लो आपकी कैनाल है, कैनाल के सहारे भी एम्बैंकमेंट बने होते ताकि पानी ऊपर ना आ जाए, तो दैट मीन्स एम्बैंकमेंट का मतलब क्या है, जहां पर हम मिट्टी को भर रहे हैं, ये फिल हो गया आपका। इसने भाई ने साफ साफ बोल दिया कि जो सॉइल आप एम्बैंकमेंट में भर रहे हो उसका वॉल्यूम, वो भी कौन सा वॉल्यूम, कॉम्पैक्टिंग वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है, दैट मीन्स इस भाई ने यहां पर जो फिल है हमारा, फिल का वॉल्यूम भी दे दिया कि जो फिल हम बना रहे हैं उसका वॉल्यूम आपका 100 क्यूबिक मीटर है। इसका वॉल्यूम नहीं दिया इसने, देखो पहले इसने फिल की डेंसिटी दी, फिर बोरोपिट की डेंसिटी दी, फिर इसने फिल का वॉल्यूम आपको दे दिया। अब इसने ये बोला भैया कि आपको नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालनी है, ट्रक कितने चक्कर काटेगा, मेरी बात थैंक यू बोलो, मैं इससे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इससे ही सच्चाई पता लगती है कि हमें आता कितना है। यार बच्चे बच्चे क्वेश्चन कराते हैं ना, मजा नहीं यार, बच्चे बच्चे क्वेश्चन, यार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ए के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ए के इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ए के इम्पोर्टेंट है, मैं बोलता हूँ कि जेई में ओनली 10% चांस होंगे ये क्वेश्चन आएगा, बट ए के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, तो ए में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, ऐसा नहीं है मैं आपको ओनली जेई वाले क्वेश्चन करा के बोल दूं फेंक दी मैंने, हाँ ए करा रहे, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। तो देखो कहानी क्या बनी, मिट्टी कैसे निकाली, मिट्टी कहीं पर डाली, बीच में यूज करा ट्रक, और ट्रक का जो वॉल्यूम है वो 6 क्यूबिक मीटर है। अब उसने भाई ने बोला कि जो एम्बैंकमेंट है जहां पर हम मिट्टी को फिल कर रहे हैं उसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक मीटर है, तो आप ये बताओ कि ट्रक कितने चक्कर काटेगा, ट्रक कितने चक्कर काटेगा, सबसे पहली बार उसने आपसे पूछा ट्रक कितने चक्कर काटेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस वाले केस में वेट निकाल सकता हूं, जब भी एम्बैंकमेंट और फिल का क्वेश्चन या एम्बैंकमेंट या बोरोपिट का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपको अपने भेजे के अंदर दो चीजें याद रखनी है, एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, सेम, देखो कहीं से मिट्टी मैंने निकाली, कहीं पर मिट्टी मैंने डाली, तो उस अगर मान लो मैं बोरोपिट से मिट्टी निकाल रहा हूं उसका वॉइड रेशियो या डेंसिटी अलग है, मैं कहीं पर मिट्टी डाल रहा हूं उसका वॉइड रेशियो डेंसिटी अलग है, बट जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे वो हमेशा सेम रहते हैं। चेंज क्या होता है, चेंज होता है आपका, क्या चेंज होता है आपका, वॉइड रेशियो डेंसिटी। मिट्टी कहीं से निकालूंगा, मिट्टी कहीं पर डालूंगा, मिट्टी कहीं से निकाली, मिट्टी कहीं पर डाली, मैं बोलता हूं 10 किलो मिट्टी मैंने कहीं से निकाली, 10 किलो मिट्टी मैंने कहीं पर डाली, मेरी बात पर ध्यान लगाना, 10 किलो मिट्टी मैंने बोरोपिट से निकाली और 10 किलो मिट्टी मैंने डाल दी फिल में, तो 10 किलो 10 किलो वेट सेम रहा, बट जहां से मैंने 10 किलो मिट्टी निकाली होगी क्या पता वो लूज पार्टिकल हो तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, उसका वॉल्यूम अलग होगा, तो ध्यान रखना जहां से हम मिट्टी निकाल, देखो भैया ध्यान से सुन लो फिर अटकोगे वापस से, मैंने मिट्टी कहीं से निकाली, 10 किलो मिट्टी मैंने निकाली, 10 किलो मिट्टी मैंने कहीं पर डाल दी, तो दोनों केस में वेट तो सेम रहा बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी सेम रहा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में 10 किलो के निकालूंगा वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 10 किलो में रहेंगे, बट डिफरेंस क्या करेगा, एक तो टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वॉइड चेंज हो रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो वॉइड चेंज होंगे, वॉइड चेंज होंगे तो डेंसिटी चेंज होगी, देखो दोनों तरफ वॉइड्स अलग हो जाएंगे, डेंसिटी अलग हो जाएगी, तो सेम क्या क्या रहता है, और जो टोटल वॉल्यूम होता है वो भी चेंज होगा, क्योंकि अगर वॉइड्स चेंज हो गए, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सॉइल सैंपल का, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होते हैं, माना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो रहे बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो चेंज हो रहा है, क्योंकि आप कॉम्पैक्शन कर रहे हो, कॉम्पैक्शन कर रहे हो तो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, पार्टिकल पास पास आ रहे हैं तो वॉइड रेशियो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि गैप कम हो रहा है, गैप कम हो रहा है तो क्या होगा भाई साहब, डेंसिटी बढ़ जाएगी, सारी कहानी कनेक्टेड है, आप समझ पाएगा चीजें। तो इस कंडीशन में क्या है, 10 किलो मिट्टी निकाली, 10 किलो मिट्टी डाली, तो जहां पर 10 किलो मिट्टी मैंने डाली तो मैं यहां पर वेट कैलकुलेट कर सकता हूं, क्यों, मेरे पास वॉल्यूम और यूनिट वेट गिवन है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट,
वॉल्यूम मेरे पास कितना दे रखा हुआ है 100 क्यूबिक मीटर, ये फिल का कैलकुलेट कर रहा हूं ना, फिल क्योंकि फिल का वॉल्यूम देखो फॉर कॉम्पैक्टिंग 100 क्यूबिक मीटर फिल का वॉल्यूम गिवन है, बोरोपिट का वॉल्यूम गिवन नहीं, कितनी मिट्टी आपने निकाली, दोनों जगह वॉल्यूम अलग अलग होगा भाई साहब वेट सेम हो सकता है, 10 किलो मिट्टी निकाली 10 किलो मिट्टी डाली, वेट सेम हो सकता है, वॉल्यूम अलग अलग होगा, वॉइड रेशियो अलग अलग होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगा एंड टोटल वॉल्यूम अलग हो जाएगा। तो ये भेजे में चीजें डाल लो तो ये क्वेश्चन मजाक में हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा, ध्यान से देख लेना ठीक है। तो फिल की बात करते हैं, फिल का वेट निकालते हैं एक बार, कितनी मिट्टी फिल जितनी निकाली होगी उतनी डाली होगी, वेट तो सेम रहेगा ठीक है। तो 100 यूनिट वेट कितना है इसका 18, तो आप देख सकते हो जो वेट आ रहा है आपका, पहली बात तो इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या है आपकी, यूनिट है किलो न्यूटन, सॉरी 18 किलो न्यूटन, मैं लिख देता यूनिट से अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और ये कितना था 100 क्यूबिक मीटर, 100 क्यूबिक मीटर, तो आप ध्यान सकते हो ये क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर क्या है सेल, और आपके पास जो फिल का वेट आ रहा है, जितनी मिट्टी फिल के अंदर गई है उसका वेट है 1800 किलो न्यूटन। आ गया भैया आंसर? नहीं, अभी आपने ओनली फिल का वेट निकाला है, फिल में कितनी मिट्टी गई है, ठीक है भाई, फिल में मेरे पास 1800 किलो न्यूटन मिट्टी भरी गई है, मुझे चाहिए क्या, मुझे ये निकालना है कि कितनी मिट्टी बोरोपिट एरिया से ट्रक लाद कर अपने साथ लाया, मुझे ये देखना है कि बोरोपिट से कितनी मिट्टी ट्रक अपने साथ लाद कर लाया। ये क्वेश्चन में टाइम लग रहा है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना मैं टाइम पास नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, आप बोलोगे 35 क्वेश्चन पर पहुंचे हो, मैं बोलता हूं 35 क्वेश्चन पर मैं पहुंचा, मैंने कितनी देर आपके साथ टाइम पास करा, या मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ या किसी मूवी का रिव्यू तो मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, मैं टोटली डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, या मैं आपको लाइफ का मंत्र तो बता नहीं रहा हूँ ना, पढ़ लो, मैं तो इतना बोलूंगा पढ़ लो यार, पढ़ लो और कुछ बन जाओ, बस मेरा मकसद ये है कि अभी थोड़ा पहचान लो पढ़ना किस तरीके से है, तब जाके हम, अब जिसको मैंने क्या बोला, अभी तो मैं सॉइल की यूनिट नंबर 1 पे चल रहा हूँ जो कि सबसे इजी यूनिट है, आपने तैयारी करी हुई है ना, आप बस मुझे बता दो कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे, अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आते थे सारे के सारे या 90% और उसके बाद आपका पेपर बिगड़ा है तो मैं आपके साथ हूं, बट उन स्टूडेंट के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, साथ तो मैं सब हूं, तो मैं सबके साथ हूं, बट मैं उन लोगों की सोच से सहमत नहीं हूं जो ये बोलते हैं सर हमने तैयारी सब कुछ करी थी बट हमारा पेपर बिगड़ा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने तैयारी अच्छी से करी होंगी तो सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते तो दैट मीन्स आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं थी जिस सब सरकारी एग्जाम निकाल पाओ, तो हमें डिप्रेस नहीं होना है, हमें पहचानना है कि किस तरीके से सरकारी की तैयारी होती है, आजकल सबको लगता है सरकारी की तैयारी हलवा है, ऐसा नहीं है ना, पहले हमने बेसिक्स पढ़े फिर डिटेल पढ़ा फिर क्वेश्चन कर रहे, सरकारी तैयारी तो भाई ऐसी ही होती है ठीक है। तो हमने क्या करा, जितनी मिट्टी गई किसके अंदर गई, जितनी मिट्टी गई आपकी फिल के अंदर, हमने उसका वेट निकाल लिया, तो एक काम करते हैं, मिट्टी ट्रक जो लादकर लाएगा, चक्कर जो काट रहा है वो बोरोपिट, ट्रक पहले क्या रहेगा बोरोपिट पे फिल पे, बोरोपिट से लाएगा फिल पर डालेगा, तो मुझे मेनली क्या करना पड़ेगा, जितनी मिट्टी बोरोपिट से निकली ना, जितनी मिट्टी बोरोपिट से निकली मुझे उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक की जो कैपेसिटी दी हुई है भाई साहब वो वेट में ना देके वॉल्यूम में भी गिवन है, ट्रक की जो कैपेसिटी है वो वेट में नहीं गिवन है, वो वॉल्यूम में गिवन है, तो मुझे बोरोपिट में जितनी मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा और ट्रक के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, एक चक्कर में एक बारी में, एक बार जब वो राउंड मार रहा है तो वो ओनली 6 क्यूबिक मीटर मिट्टी लेकर आ रहा है, एक बार में जो राउंड मार रहा है वो ओनली 6 क्यूबिक मीटर मिट्टी लेकर निकल रहा है, वॉल्यूम की बात डिस्कस हो रही है, तो दैट मींस मुझे बोरोपिट का सारा वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, और बोरोपिट का अगर वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है तो वेट का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, और अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो वेट को मुझे यूनिट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंस ये है, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे बोरोपिट की, तो वेट तो मेरे पास निकल जा चुका है, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो वेट को, दैट मींस अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो मुझे वेट को यूनिट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, बट अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूं बोरोपिट का, तो बोरोपिट की जो यूनिट वेट है वो आपके पास 15 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, तो 18 किलो न्यूटन को मैं डिवाइड कर दूंगा 15 से, ये मेरे पास क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम निकल के आ जाएगा किसका, 1800 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 120 क्यूबिक मीटर,
दैट मीन्स जितनी मिट्टी आपने बोरोपिट से निकाली है, जितनी सॉइल आपने बोरोपिट से निकाली है वो 120 क्यूबिक मीटर है। अब ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, ट्रक एक चक्कर में कितनी सॉइल को लेके जा सकता है, ट्रक एक चक्कर में 6 क्यूबिक मीटर को लेके जा सकता है, तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे भैया? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे वॉल्यूम, देखो आप ध्यान से देखोगे तो एम्बैंकमेंट में जब हम फिल कर रहे थे मिट्टी तो वहां पर वॉल्यूम कितना था, 100 क्यूबिक मीटर, बिल्कुल कम हो जाएगा। मिट्टी को ठोकोगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा ना भाई, मिट्टी को हम दबाएंगे, कॉम्पैक्शन क्या होता है, मिट्टी को प्रेस करना, अलग अलग तरीके हैं बाद में बताऊंगा। तो मिट्टी को प्रेस करोगे, अगर इतना बड़ा वॉल्यूम था किसी चीज को प्रेस करूंगा तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही बात है। फिल का वॉल्यूम 100 क्यूबिक मीटर इसलिए है क्योंकि जहां से मैंने मिट्टी निकाली थी वो 120 थी, उसको फिर मैंने कॉम्पैक्शन से रिड्यूस कर दिया, बिल्कुल सही बात है। तो दैट मींस मिट्टी मैंने निकाली 120, ट्रक एक बार में कितने लेके जा सकता है, 6 120 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 2 12, तो दैट मींस ट्रक को 20 चक्कर काटने पड़ेंगे, ट्रक को 20 चक्कर काटने पड़ेंगे भैया, ट्रक को 20 चक्कर काटने पड़ेंगे। दैट मींस अगर मुझे डिटरमाइन करना कितने नंबर ऑफ ट्रिप मैंने आए हैं, तो ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 6 क्यूबिक मीटर है, टोटल मिट्टी का जो वॉल्यूम निकला बोरोपिट से वो 120 क्यूबिक मीटर है, पर 120 को ट्रक की कैपेसिटी डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ट्रिप जितने उसको मारने वो निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को निकले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 36 लिख दूंगा ना आपके सामने, तो आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, अरे 37 ना अधूरा, चलो 36 पे आते हैं पहले, ध्यान से देखना, ये सॉइल मास है, ये सॉइल मास है, ठीक है भैया, मिट्टी है। What would be the volume of water stored in a saturated column? अब क्या इस मिट्टी में एक ऐसा कॉलम बना हुआ है जो पूरा सैचुरेटेड है, मतलब सॉलिड्स भी हैं। अगर सॉइल कहीं पर लिखा हुआ है तो सॉलिड्स तो उसके अंदर 100% होंगे। बट मिट्टी का जो एक पोर्शन है ऐसे कॉलम हमने कंसिडर कर लिया और उस कॉलम में पानी है। What would be the volume of water stored in a saturated column? इसने बोला ये जो मिट्टी का एक पोर्शन है ये सैचुरेटेड है, that means साफ से बोला पानी है इसके अंदर, पानी है इसके अंदर विद पोरोसिटी, से बोला सैंपल की जो पोरोसिटी है वो आपकी 0.35 है। इसने बोला कि जो मिट्टी की पोरोसिटी है, जो कॉलम बना हुआ है सॉइल का, उसका पोरोसिटी 0.35 है। अभी यही क्वेश्चन आपका एकदम से आ जाएगा ना तो आप स्ट्राइक नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि जैसे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा ना बोलोगे ओ ऐसे सॉल्व होता है, आप समझ रहे मेरी बात। क्वेश्चन अगर एकदम से आप पढ़ लो क्वेश्चन को, टेक योर टाइम, आप टाइम ले लो अपना, दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, आप अपना ले लो, क्वेश्चन लिखो एक पेज पर, आपको तो अभी एग्जाम दिया हुआ ना रिसेंटली तो तैयारी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को लिखो सॉल्व करो, टेक योर टाइम ड्यूड, कोई दिक्कत नहीं है मुझको, कर लो पढ़ लो, ठीक है चलो देखते हैं आपने करा होगा तो चालू करते हैं। What would be the volume of water stored in a saturated column? मिट्टी का एक पोर्शन है, उसमें हमने एक पोर्शन कंसिडर कर लिया जो इसे कॉलम है, मतलब थोड़ा वर्टिकल सा पोर्शन, विद अ पोरोसिटी ऑफ 0.35, इस पोर्शन की पोरोसिटी कितनी है 0.35, विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और इस सॉयल सैंपल की जो डेप्थ है वो है आपकी 3 मीटर। कैलकुलेट करना है What would be the volume of water? इसमें जितना भी वॉल्यूम ऑफ वॉटर है आपको वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैलकुलेट करना है, करो करो करो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्या आप इस क्वेश्चन कर पाओगे, एक लाइन का क्वेश्चन है। मैं आपको इस यूनिट नंबर 1 में ही बता दूंगा कि बेसिक डिटेल पढ़ना जरूरी है और उसके बाद नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है, यूनिट नंबर 1 में ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 1 और 2 मतलब हमने 2 यूनिट पढ़ी है, क्योंकि ओरिजिनल सॉइल को मैंने यूनिट नंबर 1 माना है, इसको मैंने यूनिट नंबर 2 माना है। अब देखो क्या लिखा भाई ने, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है भाई, जो भी वॉइड्स हैं आपको पानी से भरे हैं, जितने भी वर्ड्स है वो पानी से भरे हैं। अब इसने आपसे VW पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ भैया कैसे निकालोगे,
तो मैं बोल सकता हूं अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो वॉइड्स में पानी भरा होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो वॉल्यूम ऑफ वॉटर, भाई जितना भी पानी भरा हुआ है वो वॉल्यूम वॉइड्स के अंदर तो भरेगा, जितना भी पानी भरा हुआ है वो वॉइड्स के अंदर तो भरेगा। बोलोगे हाँ, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अब ध्यान से देखना, हमें वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैलकुलेट करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ वॉटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर भी तो आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर भी तो आएगा। सैचुरेटेड और लिखा हुआ है, मान लेते जितने भी वॉइड्स पानी से भरे गए, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉटर निकल कर आ जाएगा। अगर अब मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स देखूं, अगर अब मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स देखूं तो ये क्या आ रहा है? पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अभी सॉइल, ये रहा सॉइल का कॉलम, ये रहा सॉइल कॉलम आपके पास। किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय उसके थर्ड डायमेंशन। अगर मैं आपसे पूछूं इस डस्टर का वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलोगे सर इस एरिया को इसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं पोरोसिटी में ये जो वी होता है, ये वी क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं पोरोसिटी में वॉल्यूम ऑफ ये वी भी क्या होता है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और मैं पूछूं नीचे वाला क्या होता है, बोलोगे सर टोटल सॉइल सैंपल का वॉल्यूम। नीचे क्या होता है? टोटल सॉइल सैंपल का वॉल्यूम। भैया देखो ध्यान से देखना, पोरोसिटी में जो वी होता है वो टोटल सॉइल सैंपल का वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं होता। जैसे वॉइड रेशियो की बात कर दो, वीवी बाय वीएस, वॉइड रेशियो में सॉलिड्स का वॉल्यूम आता है, बट पोरोसिटी में टोटल वॉल्यूम आता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया बात है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक सॉइल का कॉलम है मेरे पास, अगर मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए तो मैं काम करता हूँ जो भी इसका एरिया है उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास सॉइल सैंपल का वॉल्यूम आ जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सॉइल सैंपल की पोरोसिटी कितनी देकर की थी? 0.35। किसी भी चीज का थ्री डायमेंशन का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया को उसकी थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, या जैसे मैंने बताया डस्टर है ना, ये इसके एरिया को अगर मैं डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, सॉइल मास का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, तो सॉइल मास का एरिया कितना ऊपर 1 मीटर स्क्वायर, सॉइल मास का एरिया कितना मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर, और सॉइल मास की डेप्थ कितनी मेरे पास 3 मीटर। तो ये लो भैया वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही आपका वॉल्यूम ऑफ वॉटर है। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, देखने में बहुत इजी क्वेश्चन, 0.35 × 1 × 3 = 1.05। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू 1.05 क्यूबिक मीटर। 1.05 देख लो ऑप्शन में दिख रहा है, मेरे को थर्ड नंबर का दिख रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपके निकल पे आपके पास आया 1.05। तो मैं दोस्तों बस अपना ये बताना चाहता हूँ, यार देखो मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग ना डिप्रेस मत हो, आप लोग अपनी कमियां पकड़ो, है ना, कि यार हाँ मैंने तैयारी करी थी बट मैं ना उतना नॉट अप टू द मार्क पे तैयारी नहीं कर पाया। तो आपने तैयारी करी तो उसको वेस्ट नहीं करना है, तैयारी करते रहो। डिफरेंस ये है, जैसे लोग बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। दोस्त आप 3 साल से क्या, 10 साल तैयारी करो। अगर आप सरकारी के लेवल की तैयारी नहीं करोगे ना तो आपको 10 साल लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप ना, लोग बोलते सर मैं 3 साल तैयारी कर रहा हूँ। दोस्त 3 साल से क्या, आप 1 साल 1.5 साल तैयारी करो। मैं बोलता हूँ कि आजकल के सरकारी के लिए 1.5 साल लगता है, 1.5 साल की बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो गया सिलेक्शन, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। 1.5 साल आपको सरकारी की तैयारी के लिए लगेगा, जेई की तैयारी के लिए भी लगेगा, आईएएस गेट की तो बात में करेंगे ना, जेई की तैयारी के लिए भी आपको 1.5 साल लगता है। उसमें आपको तरीके से पढ़ना है, और डिप्रेस मत हो, आप तरीका देखो कि मुझे पढ़ना क्या है, आप पढ़ो चीजों को, आप बन जाओगे जी। ठीक है भाई, लिख लो इस क्वेश्चन को, तो आप लिख सकते हो क्या इस क्वेश्चन, चलो इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बट ये क्वेश्चन नंबर 37 कटा कटा सा है थोड़ा सा, ठीक है कोशिश करते हैं। अरे यार रुको, वेट करो एक सेकंड यार, एक सेकंड वेट करो, ये पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाता है बार बार यार। ठीक है स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वो 37 क्वेश्चन कटा हुआ है, ठीक है तो उसको नहीं करेंगे। सो इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है अ हाईवे रनवे फिल, वापस से फिल का क्वेश्चन आ गया, अ हाईवे रनवे फिल नीड्स 6,50,000 क्यूबिक मीटर। मैं वैसे गिनता हूँ ना, इकाई इकाई सैकड़ा हजार हजार, तो मैं मन में गिनता हूँ, ठीक है। अ हाईवे रनवे फिल नीड्स 6,50,000 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल कॉम्पैक्टेड टू अ वॉइड रेशियो, देन 4 बोरोप्रिट्स
which the required strength is thick. Question हल्का सा कट रहा है. Then there are four boroplates from which the required soil can be taken. ठीक है. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. अभी कुछ समझ भी नहीं आऊंगा आपको, मैं समझा पाऊंगा कहानी सीख गया भैया. आपको हाईवे में मिट्टी भरनी है, हाईवे में रोड बनानी है आपको, मतलब हाईवे रोड, तो उसमें आपको सैंड फिल करनी है, सॉइल फिल करनी है, जो भी है. ठीक है. इसलिए बोला है कि जो हाईवे बन रहा है, हाईवे में जो मिट्टी की रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है, वो 6,50,000 क्यूबिक मीटर की है, और जो सॉइल हमें हाईवे पे कॉम्पैक्ट करनी है वो 0.65 है. तो इसने आपसे पूछा कि मेरे पास चार साइट हैं. भैया मैंने आपसे बताया था ना कि जब हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे मान लो आपको वो आपको सारे स्टेजेस बताए कंस्ट्रक्शन के, मैंने आपको सारे स्टेजेस बता रखे हैं. सबसे पहले कौन सा सर्वे होगा, सोयल मैगनेस कहां पर रोल में आती है. तो इसने बोला कि एक हाईवे है जहां पर 6,50,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी का यूज होना है. ठीक है भाई, इससे मतलब कि आपके पास चार साइट है, बोरोपिट मतलब जहां से मिट्टी निकलेगी, और इन चार साइड का वॉइड रेशियो देख रखा हुआ, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है. इन चार साइड का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 5 क्यूबिक मीटर, 4 क्यूबिक मीटर रुपीज, 5 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, 4 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, 3 रुपीज पर क्यूबिक मीटर एंड 3 रुपीज पर क्यूबिक मीटर. नहीं है समझ में, मत आन लो. हाईवे बनना है, मिट्टी भरोगे ना उसमें भैया, हमें किसी लेवल पर रोड लेके आनी है, हमें सॉइल भरनी पड़ेगी. चार साइट है जहां पर रोड बननी है, उससे चार साइट है. तो आपको ये डिसाइड करना है कि इन चार साइट में से कौन सी साइट आप सेलेक्ट करोगे, इन चार साइट में से कौन सी साइट आप सेलेक्ट करोगे. तो जो मुझे इकोनॉमिकल पड़ेगी वो मैं सेलेक्ट करूंगा, जो मुझे इकोनॉमिकल पड़ेगी वो मैं सेलेक्ट करूंगा. ठीक है भाई. अब ये कैसे पहचान लोगे कि कौन सी साइट सस्ती पड़ रही है, कहां से मिट्टी मंगवाना सस्ता पड़ रहा है, ये कैसे डिसाइड करोगे आप. तो आप देखोगे, अगर मुझे देखो हमारे पास जितनी मिट्टी, हमें इतना क्यूबिक मीटर सॉइल चाहिए और वॉइड रेशियो से इतना होना चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं तो इसने आपको जो फिल है, अच्छा कहां से मैंने करता है, गुड मैंने देखा नहीं ना, जो आपका फिल है, इस फिल का टोटल वॉल्यूम आपको देके रखा हुआ है कितना, 6,50,000 क्यूबिक मीटर, 6,50,000 क्यूबिक मीटर. और इसी फिल का जो वॉइड रेशियो है ये आपको देखे रखा हुआ 0.65. तो ये दो कंडीशन तो हमारे पास आ गई, जहां पर हम मिट्टी भरेंगे वहां पर हमारे पास एक कंडीशन आ गई. अब कंडीशन ये है कि कहां से लोगे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई, जब भी फिल और बोरोपिट का क्वेश्चन आए, आपको दिमाग में सबसे पहले क्या रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहते हैं. जहां से मिट्टी निकाली और जहां पर मिट्टी डाली वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहते हैं, टोटल वॉल्यूम चेंज हो सकता है. तो हम एक काम करते हैं ना, हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं. हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, हमें हर साइड का टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हमें इन सब का, ए साइड, बी साइड, सी साइड, डी साइड, इन सब का टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. और टोटल वॉल्यूम किसमें निकलेगा, क्यूबिक मीटर में निकलेगा. तो जो भी टोटल वॉल्यूम निकलेगा उसको हम इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे मान लो साइड ए है, आप टोटल वॉल्यूम निकाल लो, जैसे मान लो 100 क्यूबिक मीटर आया, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए पर क्यूबिक मीटर. तो 100 क्यूबिक मीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 क्यूबिक मीटर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी. आप समझ मेरी बात, वही 5 रुपीज. जैसे मान लो मुझे 100 क्यूबिक मीटर मिट्टी यहां से निकालनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देगी 5 क्यूबिक मीटर. तो 100 क्यूबिक मीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 रुपए. तो इस तरीके से हमें सारी साइड का पैसा कैलकुलेट करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो उसके लिए मैं आपको बताया था, कभी भी आपके पास बोरोपिट और फिल का क्वेश्चन आ जाए, अपने दिमाग में सबसे पहले एक चीज रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेंगे. अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपको टोटल वॉल्यूम देके रखा हुआ है और वॉइड रेशियो देके रखा है, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू वीवी बाय वीएस. ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है. मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने हैं, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या करूंगा, जो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होंगे वही यहां पर इनके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होंगे, चारों साइड पे बोलोगे हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा सेम रहते हैं. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करना.
जो कि मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है। याद रखो हमने लेक्चर नंबर 7 में रिलेशनशिप यूज करा था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। याद है कि नहीं याद है? बोलो यहां से याद है। तो एक काम करते हैं, ये जो फिल है इसका वॉल्यूम तो हमें पता है ना, फिल का टोटल वॉल्यूम तो हमको पता है, तो हम एक काम करते हैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ, देखो इस साइड पर मिट्टी निकली और इस साइड पर मिट्टी डली, इस साइड से मिट्टी निकली इस साइड पर मिट्टी डली, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगा। टोटल वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉइड रेशियो चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकती है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा सेम रहते हैं। यहां से मिट्टी निकली तो हर कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपके सेम रहेंगे। तो हमें काम करते हैं कि यहां से हम सबसे पहले इसकी हेल्प से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रिलेशनशिप क्या होता है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम भी देकर रखा हुआ है और ई भी देकर रखा हुआ है। तो हमने क्या करा, जो फिल थी, फिल की हेल्प से फिल में जितनी भी मिट्टी डलेगी या मिट्टी डली उसके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमको पता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या आ जाएगा, वी टोटल वॉल्यूम कितना है 6,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ई कितना है 65, तो 1 प्लस 0.65 आपके पास टोटल वॉल्यूम आ रहा है 39.39 क्यूबिक मीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है आपके पास क्या आ चुके हैं 39.39, दैट मींस जो मिट्टी, आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मिट्टी फिल पर आपकी डली उसका टोटल वॉल्यूम 6,50,000 है, उसका टोटल वॉल्यूम 6,50,000 है, बट इस 6,50,000 में ओनली सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो 3,00,000, चेक कर लेते हैं, समझ लो ना, यहां पर मैंने 6,50,000 में रख दिया, 1 के साथ 0.65 ऐड कर दिया, तो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 1.65 इज इक्वल टू 39.39.39। ये क्वेश्चन ए लेवल का है, ये क्वेश्चन जे लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, ये ए लेवल में आएगा, जे लेवल का बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है? तो जे लेवल वाले इस क्वेश्चन को ना करें, ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा जे लेवल पे, ठीक है? तो 39.39.39 अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने फिल की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल लिया है। अब ध्यान से देखते हैं, अगर अब क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट टोटल वॉल्यूम के बेस पर है, ये कॉस्ट भाई सॉइल की जो भी कॉस्ट होती है वो उसके टोटल वॉल्यूम पे होगी। ट्रक वाले को कोई मतलब नहीं है कितने सॉलिड है कितना, वो बोलेगा टोटल वॉल्यूम बताओ, मिट्टी का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, चारों में सेम रहेंगे वॉल्यूम, सॉलिड कभी चेंज नहीं होते, हम सारी सॉइल का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा, जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा उस टोटल वॉल्यूम को हम इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा खर्चा कितना आ रहा है। देखते आना। अब आप बोलोगे सर इस सॉलिड की हेल्प से हम टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। देखो वीएस इक्वल्स टू वी अपॉन ई, तो यहां से वी क्या हो जाएगा, वीएस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, हर साइड का ये वी निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरे पास ऑलरेडी है। अब ध्यान से देखना 1 प्लस ई, अब हमें क्या करना है ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं ए वाली बोरोपिट में आ रहा हूं, तो 7,16969.68। तो ये मेरे पास जो बोरोपिट से टोटल वॉल्यूम निकला सॉइल का वो मेरे पास इतना क्यूबिक मीटर आ गया। अब इसी कॉस्ट देखें, इस वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, इस कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि देखो यहां पर 5 रुपीज नहीं लिखा, 5 रुपीज पर क्यूबिक मीटर है, तो ये वॉल्यूम किसमें आया आपका, देखो ध्यान से वॉल्यूम आया होगा आपका क्यूबिक मीटर में, और इस वाली टर्म को जब मैं इस 5 रुपीज ये लिखा हुआ 5 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, तो इस वॉल्यूम को जब इस 5 रुपीज पर क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा अमाउंट। ध्यान से देखना आप लोग, अरे यार 7,16969.68 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए इज इक्वल टू कितना रहे, 35 लाख खर्चा आएगा, 35 लाख खर्चा आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो सेम है, मैं देख लेता हूं, अभी देखते हैं ना। देखो भैया
6.5 लाख क्यूबिक मीटर जो सॉइल आपको मंगानी है, आपको 35 लाख खर्चा आएगा, क्योंकि 5 रुपए पर क्यूबिक मीटर है और यहाँ पर आपको 716969 मतलब इतना वॉल्यूम आ रहा है। अगर आपने ए साइड से निकाली, अब मैं बी साइड से कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं बी साइड की बात करूं तो पहले तो हमें इस बी साइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। वीएस मेरे पास 39 तो ये वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है 7484.84। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी कॉस्ट क्या है 4 रुपए मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मेरा दे रहा है 29 लाख 29.93 लैक्स। दैट मींस अगर हमने साइट बी से, मतलब बोरोपिट जो हमारा साइट बी है, इससे अगर मैंने मिट्टी निकाली तो मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा वो लगेगा 29 लाख 29 लाख रुपीज। ठीक है, अब हाईवे के काम है, लाखों में चलते, करोड़ों का चलता है काम, है ना। ठीक है, थर्ड मिट्टी पर आते हैं। थर्ड मिट्टी पर अगर हम आए तो थर्ड मिट्टी की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना आपके पास, ये रहा 39.39 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई, इसका वर्ड रेशियो 1.20, तो 1 प्लस 1.20 हो गया 2.20, 2.20 ठीक है, ये आ रहा है आपका 88.66 इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका आ रहा है 25 लाख, यार आपको 25.99 लाख। ठीक है भाई, अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो सेम रहेगा, ठीक है, जो कि है 39.39 मल्टीप्लाई बाय आपका 39.39 मल्टीप्लाई बाय आपका इसका वोल्टेज कितना है 1.5, तो E को यहां पर 1.5 पुट करोगे तो 1 प्लस 1.5 कितना हो गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आपका वॉल्यूम आ रहा है 984, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मेरा वॉल्यूम कैलकुलेटर में बड़ा है, जगह मच्छी मल्टीप्लाई बाय सी कॉस्ट कितनी 3 रुपए, तो यहां आ रहा है 29 लाख, तो यहां आ रहा है आपका 29 लाख 29.54 लैक्स। तो अब बाबा आप देख लो क्या लिखा था क्वेश्चन, इसने बोला था कि आपके पास चार साइटें हैं जहां से आप हाईवे पर मिट्टी डाल सकते हो, आपके पास यहां पर चार साइट हैं। अब आप देख लो, फर्स्ट वाली जो साइट है जहां पर मेरा हाईवे कंस्ट्रक्शन होना है, फर्स्ट वाली जो साइट है जहां पर मेरा हाईवे कंस्ट्रक्शन होना है वह 35 लाख का रही है। फर्स्ट वाली जो साइट है जहां पर मेरा कंस्ट्रक्शन होना है वहां पर मेरी 35 लाख कॉस्ट आ रही है। सेकेंड वाली साइट पर मेरी 29 लाख कॉस्ट आ रही है। थर्ड वाली साइट पर मेरी 25 लाख कॉस्ट आ रही है। फोर्थ वाली साइट पर मेरी 29 लाख आ रही है। तो सबसे कम कॉस्ट कौन सी लगी 25 लाख, तो ये आपका आंसर सी। दैट मींस कंस्ट्रक्शन में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब आपने क्या डिसाइड करा कि भाई साहब मेरी साइट सी मुझे सबसे सस्ती मिलेगी, क्योंकि कहीं पर 35 लाख है, कहीं पर 29 लाख है, तीस चौथी जगह भी 29 लाख है, बट एक जगह मेरा 25 लाख आ रहा है, अराउंड 26 लाख आ रहा है, तो मैं इस जगह अपनी साइट से साइट पर यहां से मैं सॉइल मंगवाऊंगा। इस क्वेश्चन को लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जे लेवल का नहीं आएगा, ए लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप जे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को नहीं भी करोगे तो चलेगा। और हाँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इजी सा है, पोरोसिटी वॉइड रेशियो के रिलेशनशिप पे नहीं कराऊंगा। इन ए वेट, देखो इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप ये खुद करना, ठीक है। इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज, सेम वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, आ गया तमीचा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की उम्मीद मत रखो मुझसे, है ना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड में पहले करा चुका हूं इसमें, तो बार बार फॉर्मूला बेस्ड कराऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट है, ये खुद प्रैक्टिस करो। क्योंकि फॉर्मूला पे ऐसा नहीं कि मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए नहीं है, शुरुआत में जो हमारे 10-15 क्वेश्चन चले वो ओनली फॉर्मूला बेसिस ही है, और बार बार वो फिर फॉर्मूला पे घुमा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है इसके, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप डायरेक्ट खुद करो, ठीक है, मैंने करवा दी पहले भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, अ सैंपल ऑफ सैंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1000 ml,
A sample of sand has a volume of 1000 ml in its natural state. Its minimum volume when compacted is 750. When gently poured in a measuring cylinder, its possible maximum volume is इतना. What is the relative density? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया. बस मुझे एक चीज समझ में आई कि रिलेटिव डेंसिटी पूछी है और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है E max minimum. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये ना, ई मैक्स मैक्सिमम वॉल रेशियो, नेचुरल दैट मीन्स जो नेचुरल स्टेट में सॉइल है उसका वॉल रेशियो, मैक्सिमम वॉल रेशियो, मिनिमम वॉल रेशियो. वॉल रेशियो मिनिमम कब आता है? जब सॉइल डेंस होती है. वॉल रेशियो मैक्सिमम कब आता है? जब सॉइल लूज होती है. तो यहां पर ई मैक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है कि लूज सॉइल का वॉल रेशियो. मिनिमम कब आता है? जब सॉइल डेंस होती है आपकी, तो डेंस सॉइल का वॉल रेशियो. और ई क्या? जो सॉइल जिस प्रेजेंट कंडीशन में है उसका वॉल रेशियो. तो अब देखते हैं क्वेश्चन को. अ सैंपल ऑफ सैंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ इन इट्स नेचुरल स्टेट. नेचुरल स्टेट में वी नेचुरल टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इसने वॉल्यूम देकर रखा है. नेचुरल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है? 1000 ml. इट्स मिनिमम वॉल्यूम, सॉइल का वॉल्यूम मिनिमम कब होगा? जब वो डेंस होगी. भाई एक लूज सॉइल है इस, अगर मान लो लूज सॉइल का वॉल्यूम इतना है, तो जब मैं इसको डेंस कर दूंगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, क्योंकि वॉइड्स एयर रिमूव हो जाएगी. तो एयर रिमूव होकर वॉइड्स वॉल्यूम घट जाता है. तो इट्स मिनिमम वॉल्यूम दैट मींस बहुत ज्यादा डेंस. ये वाला वॉइड रेशियो जब मिनिमम होगा तो सॉइल का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. वॉइड रेशियो जब मिनिमम होगा तो सॉइल का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. इसका वॉल्यूम क्या है भैया? 750. दैट मींस वी मिनिमम. दैट मींस जब वॉइड रेशियो मिनिमम होगा, तो वॉल्यूम भी मिनिमम होगा, क्योंकि वॉइड्स और एयर खत्म होगी होगी. तो V minimum is equals to 750 ml. V minimum is equals to 750 ml. When gently poured in a measuring cylinder. अब इसने लिखा है कि जो सैंड है ना, आप एक सिलेंडर में डाल रहे हो. मान लो एक मिट्टी है मैंने कहीं से निकाली, उसको फिर मैं अगर एक सिलेंडर के अंदर भरूंगा तो सॉइल लूज हो जाएगी. सॉइल लूज हो जाएगी तो वॉइड रेशियो मैक्सिमम हो जाएगा. वॉइड रेशियो मैक्सिमम हो जाएगा जब यार हम मिट्टी को अगर पोर करेंगे तो बिल्कुल लूज हो जाएगी तो वॉइड रेशियो बढ़ जाएगा. वॉइड रेशियो बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. तो दैट मींस इसे लिखा है व्हेन जेंटली पोर्ड इन मेल्टिंग सिलेंडर इट्स पॉसिबल मैक्सिमम वॉल्यूम. वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब वॉइड्स बढ़ जाएंगे. जब वॉइड्स बढ़ जाएंगे तो वॉइड रेशियो बढ़ जाएगा. उससे बोला जो मैक्सिमम इट्स मैसेज जब हम डाल रहे हैं सिलेंडर के अंदर, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो बढ़ गया. अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉइड रेशियो बढ़ा हुआ होगा. तो दैट मींस ये जो ई मैक्स है, इस कंडीशन की बात कर रहा है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ये आपका, जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ये है आपका 1320 ml. तो भाई ने क्या करा, वॉइड रेशियो ना देकर वॉइड रेशियो को ना देकर उसने वॉल्यूम दे दिया. और कौन सा वॉल्यूम है? क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है? क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर है? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है? नहीं जी, सॉइल का टोटल वॉल्यूम गैस में. ये नेचुरल, दैट मीन इसके रेस्पेक्ट में जब ये वाला वॉइड रेशियो इस जगह पर नेचुरल वॉइड नेचुरल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जब मैक्स है तो ये वाला वॉल्यूम, जब आपका मिनिमम है तो ये वाला वॉल्यूम. तो इसने तीनों के वॉल्यूम दिए. तो हमें वॉइड रेशियो का फॉर्मूला एक बार देखना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. कहने का मतलब ये है कि भाई ने क्वेश्चन में हर जगह टोटल वॉल्यूम दिया है, और मेरा वॉइड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो हमें वॉइड रेशियो के फॉर्मूले में टोटल वॉल्यूम, अब देखो क्वेश्चन में इसने हर जगह टोटल वॉल्यूम दिया है, और क्वेश्चन में इसने एक भी ऐसी वैल्यू नहीं दी है. देखो हमारा वॉइड रेशियो क्या होता है? वीवी बाय वीएस. देखो अब एक चीज ध्यान से देखना, हम लोग देख बहुत ध्यान से देखना. इसने क्वेश्चन में एक भी जगह से वैल्यू नहीं दी कि मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को फाइंड आउट कर सकूं, नहीं दी इसने. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी बात ध्यान से देना, सॉइल जब मैंने निकाली, ध्यान से देखना, सॉइल मैंने निकाली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फिर मैंने इसको डेंस कर दिया, मतलब कॉम्पैक्शन कर दिया, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. देखो अगर ये वी है, यहां से मैंने सॉइल निकाली तो ये नेचुरल हो गया, नेचुरल हो गया.
इसका वॉल्यूम कितना 1000 ml। फिर क्या करा मैंने, एक सिलेंडर में भर दी। जब मैं सिलेंडर में भरूंगा, जब मैं देखो यहां से मिट्टी निकाली 1000 ml इसका वॉल्यूम था, फिर मैंने सिलेंडर में डाली, सिलेंडर में डाल दी, जब डालूंगा तो वॉइड्स बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर मैंने सिलेंडर से निकाल के सिलेंडर में मिट्टी को मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया, जब मैं कॉम्पैक्ट करूंगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉइड रेशियो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। इन तीनों कंडीशन में एक चीज आपकी सेम रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मिट्टी मैंने कहीं से निकाली, किसी सिलेंडर में डाली और फिर उसको कॉम्पैक्ट करा, हर बार वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि एक बार उसका नेचुरल स्टेट में था, फिर मैंने सिलेंडर में डाला तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर मैं उसको कॉम्पैक्ट करूंगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो वॉल्यूम बार बार चेंज हो रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, बट तीनों कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेंगे, तीनों कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेंगे। तो वीएस का तो हमें पता लग गया कि तीनों कंडीशन में सेम रहेगा, बट मुझे कहीं ना कहीं टोटल वॉल्यूम रोल में आना है। देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एग्जांपल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यही तो टोटल वॉल्यूम होता है। तो अगर मुझे टोटल वॉल्यूम को रोल में लेके आना है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को लिख सकता हूं टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को क्या लिख सकता हूं, मैं टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपका कॉन्फिडेंस देखो बढ़ जाएगा, आप प्रैक्टिस करो, अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दैट मींस टोटल वॉल्यूम देके रखा है, बट मेरे पास वॉल्यूम ऑफ, मैं तो डायरेक्ट इसको पुट कर रहा था, बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन ही नहीं है, तो मुझे टोटल वॉल्यूम को रोल में लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हर जगह ये जो वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि टोटल वॉल्यूम गिवन है, तो अपन एक काम करते हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, वी माइनस वी एस और अपॉन में क्या था वी एस, इसको ओपन कर दो मतलब इसको खोल दो, तो वी बाय वी एस इज इक्वल टू वी बाय वी एस माइनस वन, वी बाय वी एस माइनस वन। तो मेरा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया, वी बाय वी एस माइनस वन, वी बाय वी एस माइनस वन। इसको लिखो क्योंकि फिर मैं इसको मिटाऊंगा, इसको लिख लो आप क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने वॉइड रेशियो को, देखो हम तो वॉइड रेशियो डायरेक्ट पुट कर देते हैं अगर हमारे पास तीनों कंडीशन का, जब नेचुरल है, जब लूज है, जब डेंस है, अगर उसका वॉल्यूम को वॉइड्स लेके रखा होता तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता, बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ना देकर इन्होंने टोटल वॉल्यूम को देकर रखा हुआ है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इस वॉइड रेशियो को टोटल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं, ठीक है भाई, क्योंकि मेरे पास लेने की जगह नहीं है। बस ये फॉर्मूला याद रखना, वी बाई वी एस माइनस वन, ई इज इक्वल टू वी बाय वी एस माइनस वन, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, आ गया था, आया था ना। अब मैं निकालता हूं रिलेटिव डेंसिटी, इसने रिलेटिव डेंसिटी पूछी है ना, तो विच इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ई मैक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, ई मैक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, करेक्ट, ये रिलेशनशिप है, ध्यान से देखना, ई मैक्स का मतलब क्या होता है, लूज कंडीशन, ये थी लूज कंडीशन, दिस इज लूज कंडीशन, दिस इज डेंस कंडीशन, दिस इज नेचुरल कंडीशन, दिस इज लूज कंडीशन, दिस इज डेंस कंडीशन एंड दिस इज नेचुरल कंडीशन, ध्यान से देखना, ये रहा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना भाइयों, ऊपर सबसे पहले मैं ई मैक्स की वैल्यू लिख रहा हूं इसकी फॉर्म में, इसका वॉल्यूम क्या है, देखा ध्यान से देखना, वी ए सेकेंड, वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो सेम रहेंगे, तीनों कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम थे, माइनस वन माइनस, अब ये क्या है, वी नेचुरल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो सेम रहेंगे, माइनस वन अपॉन में वी मैक्स बाय वी एस माइनस वन, और यहां पर क्या जाएगा, माइनस वी मिनिमम अपॉन में वी एस माइनस वन। तो ध्यान से देखा भाई साहब आपने, अब फाइनली इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूं, तो देखो क्या बनेगा फाइनली आपके पास, वी मैक्स बाय वी एस माइनस वन, इस ब्रैकेट को खोलो, माइनस वी नेचुरल अपॉन वी एस, अब ये माइनस माइनस के बन गया प्लस वन, बन गया ना, तो ध्यान से देखो माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। सेम अगर मैं इसकी नीचे वाली वैल्यू लिखूं तो यहां से भी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास बचेगा वी मैक्स
by Vs minus V minimum upon volume of solids. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो कैसे? मैंने इसको ओपन करा तो ये माइनस वन था, माइनस यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, बट ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस वन माइनस वन से कैंसिल कर देगा और फाइनली आपके पास बचेगा. अब आते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम पर. मैक्सिमम वॉल्यूम कितना दिखा रखा था इसने? 1320 मैक्सिमम वॉल्यूम था. ठीक है भाई, और आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ऊपर बचाइए नीचे बचाइए, तो इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, नीचे से वीएस वीएस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वीएस वीएस कॉमन आके एलसीएम आ जाएगा, नीचे भी वीएस वीएस एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल मतलब एलसीएम आ जाएगा, तो इस वीएस से ये वाला वीएस कैंसिल हो जाएगा. फाइनली हमारे पास बचेगा ये वाली वैल्यू और हमारे पास ये वाली वैल्यू. तो दैट मींस 1320 मैक्सिमम वॉल्यूम, नेचुरल वॉल्यूम कितना था? 1000 माइनस 1000 अपॉन में ये वीएस 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 तो कैंसिल हो गया. V max कितना था? 1320 माइनस V minimum कितना था आपके पास? 750 माइनस 750. घूम गया ना दिमाग, घूम गया ना क्वेश्चन में. अब ये ऐसे होता, तैयारी कैसी होती है? तो 1320 माइनस 1000 डिवाइडेड, अच्छा ये 1000 है, 320 डिवाइडेड बाय 750, 1320 माइनस 750 570 is equals to 320 divided by 570 0.56 और परसेंटेज में लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 is equals to 56% रिलेटिव डेंसिटी. 56% आपका आंसर आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो ए ऑप्शन में आपका 56% आंसर है. लिख लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिखो, पूरा लिखो इसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, व्हाट इज द ड्राई लिमिट वेट ऑफ क्ले, गामा डी पूछा है, देयरफॉर द डिग्री ऑफ गिवन है, गामा डी पूछा है और गामा डी का फॉर्मूला आपको पता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन के साथ फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, करा भी है ठीक है. अ सॉइल हैज अ वर्ल्ड रेशियो ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इतना, स्पेसिफिसिटी इतना, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ फॉर्मूला बेस, 43 फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ये करेंगे. एन ओवर ड्राई सैंपल ऑफ वॉटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस डेल्टा वी चेंज, फॉर्मूला बेस ठीक है. अ सॉइल हैज 28 ग्राम ऑफ सॉलिड्स इतना 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 का क्षेत्रफल फॉर एक्सटेंड, फॉर्मूला बेस है, सारे फॉर्मूला बेस से आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन नहीं करेंगे ना ठीक है. क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं. सॉइल्स आर बेसिकली, सॉइल क्या होती है, हां ही कर देते हैं, सॉइल्स आर बेसिकली, अब थोड़े हमारे छोटे के क्वेश्चन आ रहे हैं. सॉइल्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, ऑर्गेनिक भी होता है इनऑर्गेनिक भी होता है. ऑर्गेनिक मींस जिसमें आपका वेजिटेबल रूट्स कीड़े मकोड़े केचुए सब उसके अंदर, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और जिसमें सॉलिड्स होते हैं जिसमें हमें सारी इंप्यूरिटीज को निकाल देते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं. तो हाँ, सॉइल आपकी ऑर्गेनिक भी होती है इनऑर्गेनिक भी होती है, और हम कंस्ट्रक्शन में अपनी इनऑर्गेनिक सॉइल यूज करते हैं. तो 46 का डी आंसर है, कोहेजन लेस सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय, देखो मैंने बताया था जो वेदरिंग होती है एक होती है फिजिकल एक होती है केमिकल. तो जो फिजिकल वेदरिंग होती है उससे सैंड और ग्रेवल बनता है, और जो केमिकल वेदरिंग होती है उससे आपकी क्ले बनती है, और जो क्ले होती है वो आपकी कोहेसिव सॉइल होती है. देखो मैंने क्या बोला, वेदरिंग दो टाइप से होती है, वेदरिंग मैंने आपको बता रखा है, रॉक जो बड़े रॉक पार्टिकल्स जो बड़े रॉक मास होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल में जो एजेंसी तोड़ देती है उसको वेदरिंग बोलते हैं. एक थी फिजिकल एक थी केमिकल. फिजिकल सैंड और ग्रेवल बनाती है, पड़ा रेखा है पूरा, और केमिकल आपकी क्ले बनाती है, और सैंड आपकी कोहेजन लेस सॉइल होती है और सिल्ट क्ले आपकी कोहेसिव सॉइल होती है. तो समझे कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल का मतलब होता है सैंड और ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल आपकी बनती है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से. 47 का आंसर आपका है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से ही आपकी सैंड और ग्रेवल बनती है, केमिकल से आपकी क्ले बनती है ठीक है. टेरेस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय, टेरेस कौन सी सॉइल है आपकी, टेरेस आपकी सॉइल है जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स करता है, ग्रेविटेशन फोर्स से जो सॉइल बनती है वो आपकी टेरेस होती है. लुईस इज अ सिल्टी क्ले लॉम फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लुईस इज अ सिल्टी, लुईस आपका विंड से बनती है, सिल्ट होती है, लुईस के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं. हाँ अगला जो क्वेश्चन नंबर 50 पे ड्रिफ्ट, देखो मैंने आपको बताया था जो आइस के बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं, जब वो पिसल रहे होते हैं तो वो मिट्टी को अपने साथ ले आते हैं. तो जब आइस का बड़ा मास एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ रहा है और वह रॉक को डिसइंटीग्रेट करके अपने साथ रॉक के पार्टिकल ले लेता है, तो जो मटेरियल पिक होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट.
और जब आइस पिघलता है और जो फिल्म देखो दो चीजें, आइस पिघल रहा है ये यहां से लेके आता गया तो ये क्या करेगा आपका इरोजन मतलब मटेरियल्स को यहां से लेते हुए जाएगा तो मटेरियल सब चिपक कर चल जाएंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और जब आइस पिघलेगा और जो सॉइल बनेगी उसको हम बोलते हैं टिल। तो ये दो चीजें याद रखना, ड्रिफ्ट इज अ मटेरियल पिक्ड अप मिक्स डिसइंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेड एंड रीडिपोजिटेड बाय ग्लेशियर वाटर। तो आपने दोनों चीजें मैंने बताई, ग्लेशियर के टाइम पर मैंने आपको टिल भी बताया था और ड्रिफ्ट भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कोहेसिव सॉइल इज, जैसे कि मैंने आपको बताया रखा है सैंड आपकी नॉन कोहेसिव या कोहेजन लेस सॉइल होती है, बाकी आपका वैसे सिल्ट भी, देखो सिल्ट भी, सिल्ट के अंदर भी कोई प्लास्टिसिटी नहीं होती है, थोड़ा बहुत कोहेजन है मान सकते हैं। नॉन कोहेसिव सॉइल तो आपकी सैंड है, सिल्ट का मैं आपको आगे बताऊंगा। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एलुवियल सॉइल, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से भी, एक सेकंड ऊपर क्या था, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर, हां एलुवियल सॉइल, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर रनिंग एलुवियल सॉइल, दोनों का आंसर एलुवियल सॉइल है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर ना, हां एलुवियल सॉइल, दोनों का एलुवियल सॉइल ही है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर रनिंग एलुवियल सॉइल। लेकोस्ट्रीम सॉइल कौन सी होती है, लेकोस्ट्रीम सॉइल आर दोस व्हिच आर फॉर्मड बाय द डिपॉजिट एट द लेक्स, लेक्स आपका आंसर देगा भैया, डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक्स, तो लेकोस्ट्रीम। क्ले कैन बी क्लासिफाइड एज हाईली कोहेसिव, लिमिटेड कोहेसिव, कोहेसनलेस, हाईली कोहेसिव बोल सकते हो आप, लिमिटेड कोहेसिव बोल सकते हो आप, ये अभी हम यूनिट टू जब पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल तो उन चीजों में आपका आंसर मैं अच्छे से दे पाऊंगा, अभी तो नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोहेसिव सॉइल, क्लियर होती है आपकी, अच्छा देखिए देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोहेसिव सॉइल, तो कंकड़ ग्रेवल आपके कोहेसिव नहीं होते, सैंड आपकी कोहेसिव, सैंड विद क्ले नहीं, ब्लैक वाटर सॉइल आपकी कोहेसिव होती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोहेसिव सॉइल, ब्लैक वाटर सॉइल, क्योंकि ब्लैक वाटर सॉइल आपकी क्ले ही होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द फाइनेस्ट ग्रेन, फाइनेस्ट ग्रेन सैंड से फाइन सैंड क्ले, क्ले के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द फाइनेस्ट ग्रेन, क्ले आपका क्ले जो है आपका सबसे फाइनेस्ट ग्रेन्स होते हैं क्ले के। सिल्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, देखो सिल्ट में एक चीज रखना, सिल्ट में जैसे हमारी क्ले में प्लास्टिसिटी होती है बट सिल्ट में हमारी कोई प्लास्टिसिटी नहीं होती, जब हम यूनिट नंबर टू पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, सॉरी यूनिट नंबर थ्री पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में सारी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन यूनिट नंबर थ्री की भी आ गए। सिल्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आप जान सकते हो कि सिल्ट में प्लास्टिसिटी नहीं होती, इसका आंसर है नो प्लास्टिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन, द मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट सॉइल, मिनिमम साइज सिल्ट सॉइल का मैंने आपको बताया था 0.075 से लेकर 0.002, तो मिनिमम साइज पूछा है तो मिनिमम साइज होता है 0.002 सिल्ट का। द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सिल्ट, तो मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन सिल्ट की क्या होती है 0.075, तो इसने ऑप्शन में 0.075 देकर आपको नहीं रखा हुआ है, तो 0.075 के पास की वैल्यू कौन सी है 0.006। देखो 0.075 आपका होता है सिल्ट का मैक्सिमम साइज, पर अगर उसे 0.075 नहीं देकर रखा तो उसके नियरली इक्वल वैल्यू लेंगे जो कि क्या है आपकी 0.06। Which of the following will have the highest percentage of land? Yes, unit number 3 इसको छोड़ो। The maximum size of clay particle is, the maximum size of clay particle is, आपको पता है clay particle का size क्या होता है 0.002 से लेके छोटा, तो maximum size of clay particle क्या होता है 0.002 mm, तो maximum particle क्या 0.002 mm, ठीक है। The ratio between the total volume of voids and the total volume of solid, ये आपको simple सी formula based question है। The ratio of volume of voids to total volume, easy question है यार, छोड़ो। अब आप यार voids अपन total volume, VV by VS क्या होता है, void ratio होता है ना, total volume of void है ना, तो ये चीज है total, ये फालतू चीज है, इसको मत पढ़ो, ठीक है। The ratio volume of voids to the total volume of, ये आपके सारे theoretical question आ चुके हैं जो हम discuss भी कर चुके हैं, voids और total volume, the ratio of volume of voids to the total volume, VV by V porosity होता है, the representation of three constituents of solid, liquid और gas किस में होता है, three phase system में होता है। The representation of three constituents of solid, water and air. Solid, water and air. आपका soil के three phase diagram में represent होता है, तो three phase diagram इसका आंसर है। The ratio of weight of water, the weight of WW by WS होता है। अरे, water content यार। The ratio of weight of water to the weight of solids, WW by WS, water content, ठीक है। The degree of saturation can be defined as, अरे, degree of saturation, VW by VV, ठीक है। VW volume of water to VW by V volume of voids. कहाँ करता है इसका? ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ही है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, VW VV, ठीक है, ये देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, VW बाय VV, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है VW, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या होता है VV, तो VW बाय VV, इजी क्वेश्चंस हैं। वेट ऑफ वाटर
हाँ ठीक है, द रिलेशनशिप यार ये पता है आपको, इसके ऊपर तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए। ये क्वेश्चन इसलिए डाले गए क्योंकि एग्जाम में आते हैं। देखो मैं आपको चीज बताता हूं, क्वेश्चन वो नहीं है जो टफ है, क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी पढ़ना है। आप समझो मेरी बात, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है कि सर आपने टफ टफ क्वेश्चन लिए, नहीं जी, मैंने आपको सॉल्व वो कराए जो टफ है। और मैं आपसे इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं सबके सब, अब सरकारी में इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो ये इजी क्वेश्चन है सरकारी के, ठीक है। व्हेन द पोर्स ऑफ सॉइल आर फुल ऑफ वाटर देन द सॉइल बी कॉल्ड पोर्स ऑफ वाटर। अगर पोर्स पूरे फुल है तो हम उसको फुली सैचुरेटेड बोलेंगे सॉइल मास को। व्हेन द पोर्स ऑफ सॉइल आर फुल ऑफ वाटर फुली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है फॉर्मूला इजी, द रेशियो वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स टू वॉटर, ये फॉर्मूला वैसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप देख लेना इसको ना। इन विच ऑफ द सैंपल द परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी विल बी लीस्ट, पोरोसिटी सबसे कम किसमें होगी, जहां पर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कम होंगे। क्वेश्चन अच्छा, इन विच सैंपल द परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी विल बी लीस्ट, पोरोसिटी आपकी वहां पर कम होगी जहां पर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कम होंगे। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स लूज सैंड में तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड ज्यादा होंगे, कॉम्पैक्ट सैंड सॉफ्ट या क्ले में भी आपका ज्यादा होगा वर्ड रेशियो। इसका आंसर है कॉम्पैक्ट सैंड, सैंड को अगर हमने कॉम्पैक्शन कर रखा है तो उसके वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, और अगर वर्ड्स खत्म हो गए मतलब कम हो जाते हैं, वर्ड्स कम हो गए तो आपका पोरोसिटी विद व्हिच ऑफ सैंपल द परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी विल बी, सॉरी 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 लीस्ट पूछा है इसने, मैं तो आपको ज्यादा, हाँ लीस्ट तो आपको कॉम्पैक्ट सैंड में है ना। देखो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वीवी अपॉन वी, तो जहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम रहेंगे वहां पर आपकी पोरोसिटी कम रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कॉम्पैक्ट सैंड जो होती है, सैंड में तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं फाइन सॉइल और कोर सॉइल की बात करूं तो वॉइड्स फाइन सॉइल में ज्यादा होते हैं, तो फाइन सॉइल में तो अगर वॉइड्स ज्यादा होंगे तो वॉइड पोरोसिटी भी ज्यादा होगी, तो इसको तो हमने फाइन सॉइल पर हटा दिया। बचे ऑप्शन दो, पोरोसिटी कम किसमें होगी, जिसमें आपके वॉइड रेशियो कम होंगे, वॉइड रेशियो आपके कॉम्पैक्ट सैंड में कम आएंगे और लूज सैंड में वॉइड रेशियो आपके ज्यादा रहेंगे, तो पोरोसिटी सी बी ऑप्शन में कम हो जाएगी। द परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो विल बी हाईएस्ट, अब परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो हाईएस्ट किसमें है, परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो आपका हाईएस्ट उसमें रहेगा जिसमें आपका वॉइड ज्यादा रहेंगे, ऑर्गेनिक क्ले, सॉफ्ट क्ले, स्टिफ क्ले, लूज सैंड। देखो जहां पर फाइन सॉइल और कोर सॉइल की बात आपके सामने आ जाए तो आपको हमेशा वॉइड रेशियो कोर सॉइल में कम होता है, फाइन सॉइल में ज्यादा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्ले, सॉफ्ट क्ले, स्लाइटली ऑर्गेनिक इन नेचर, स्टिफ क्ले तो नहीं होगा, इन दोनों में से आंसर होगा ऑर्गेनिक क्ले एंड सॉफ्ट क्ले स्लाइटली ऑर्गेनिक इन नेचर, तो आपका बी ऑप्शन होगा सॉफ्ट क्ले स्लाइटली ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। द ड्राई डेंसिटी ऑफ दिस सैंपल इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट, अब ड्राई डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है ऑब्वियसली ड्राई डेंसिटी आपकी डेंस सैंड की ज्यादा होगी, तो ये इजी से क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ वॉइड विल बी लीस्ट, ये सेम क्वेश्चन आ जा रहे हैं सेम टू सेम, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ ड्राई सॉइल एज अ मास स्पेसिफिकेटी, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ड्राई सॉइल मास स्पेसिफिकेटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दे के रखा हुआ है, देन द वॉइड रेशियो, जैसे कि आपको पता है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप ये रिलेशन पता है ना, आप भूल गए हो, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, जीएम इज इक्वल टू जीएस 1+E, तो ये इजी सी क्वेश्चन है यार, है ना, ये हम ऑलरेडी इसके साथ क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या पूछा था, वर्ड रेशियो पूछा है, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35 यहां पुट कर दो, स्पेसिफिक सॉलिड आपकी यहां पुट कर दो, 1+E आपका निकल कर आ जाएगा ई वर्ड रेशियो। द ड्राई डेंसिटी ऑफ दिस सैंपल मे बी एक्सपेक्टेड टू लीस्ट, वो ये यार सेम चीजें लूज, इफ द पोर्स ऑफ सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर, जब पोर्स ऑफ सॉइल में एयर होता है तो वो ड्राई सॉइल होता है, तो ड्राई सॉइल आपका आंसर आ जाएगा, जब पानी से भरता है तो फुली सैचुरेटेड, जब एयर से भरता है तो ड्राई सॉइल। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो वन डिपेंड्स ऑन मारवे एंड तो वेट ऑफ वाटर पर, ये सारे थोड़ी का क्वेश्चन है, देखता हूं थोड़ी का क्वेश्चन आसान है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड आपको बताया था 2.6 से लेकर 2.85, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड सर कितनी होती 2.6, ठीक है भाई, 2.6 से मैंने आपको 2.85 बताई है, तो 2.6 देकर रखा था, 2.6 इसका द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज 2.6, ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है। द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल वाज फाउंड टू बी इतना, इतना डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूला बेस्ड हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हु कॉइंड द टर्म सॉइल मैकेनिक्स, किसने दी थी भैया, कार्ल तर्ज़ागी जी ने, हु कॉइंड द टर्म सॉइल मैकेनिक्स, कार्ल तर्ज़ागी जी ने सॉइल मैकेनिक्स का नाम दिया था, टू व्हाट क्रेडिट ऑफ ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल और सैंड आपके कोहेजन लेस सॉइल होती है, कोहेजन लेस सॉइल, ग्रेवल सैंड क्या होता है, कोहेजन लेस, और अब क्लियर क्या होती है आपकी, कोहेसिव सॉइल, ठीक है। व्हाट इज द करंट डेफिनेशन ऑफ सॉइल इन जियोटेक्निकल इंजीनियर, अरे ये सब पढ़ा रखा है,
हाँ, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल साइक्लोन। क्या होता है सबसे पहले, ये साइकिल बताई थी मैंने आपको, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल साइक्लोन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूवर, डिपोजिशन, वेदरिंग। बताओ भैया सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वेदरिंग होती है, ठीक है। फिर अब क्या था बताओ, सबसे पहले वेदरिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डिपोजिशन होता है, और जहां पर डिपोजिशन रुक जाए वहां पर अप हीवल होता है। बताया था ना आपको मैंने, सबसे पहले वेदरिंग हुआ, वेदरिंग जब हो जाएगी तो सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी, जब ट्रांसपोर्ट होगी तो कहीं पर डिपोजिट हो जाएगी, और जब वो डिपोजिट होना बंद हो जाए तो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम अपहीवल बोलते हैं, और अपहीवल के बाद वापस से ट्रांसपोर्टेशन या वेदरिंग आपकी होती है। तो साइकिल मैंने आपको पूरी बताई थी, केमिकल वेदरिंग ऑफ अकर्स, अरे ये सारा केमिकल वेदरिंग किस किस से होती है, ऑक्सीडेशन से भी होती है, कार्बोनेशन से भी होती है, हाइड्रेशन से भी होती है। फिजिकल वेदरिंग अकर्स, फिजिकल वेदरिंग किस लिए हो जाएगी आपकी, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ, टेम्परेचर चेंज पे नहीं होती है ना। फिजिकल का क्या आपका भैया, स्प्रेडिंग, टेम्परेचर चेंज नहीं, हाँ टेम्परेचर चेंज तो फिजिकल चेंज ही है, ऑल ऑफ द अबव है, पर टेम्परेचर चेंज भी फिजिकल वेदरिंग है। वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, आइस फिसल रही है वो भी आपका फिजिकल वेदरिंग है, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट वो भी आपका फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है। इफ द सॉइल स्टेज एज अ प्लेस अबव द पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक पर ही जो सॉइल बन जाती है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल सॉइल। तो इसका आंसर क्या होगा, रेसिड्यूअल सॉइल। इफ द सॉइल स्टेज एज अ प्लेस अबव द पेरेंट रॉक वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, देन इट इज कॉल्ड रेसिड्यूअल सॉइल। तो ये द सॉइल विच कंटेन्स फाइनेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल किसमें होगा, क्ले में, क्ले ऑप्शन है इसमें, क्ले ऑप्शन है इसमें, तो इसका आंसर रहेगा क्ले। जनरली सॉइल रिफर्स टू सॉलिड, लिक्विड, सब कुछ है यार, ये कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड मीडियम। एन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, वाटर भी है, विंड भी है, ग्रेविटी भी है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। तो ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल पार्ट आपका पहले निकल चुका है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आप देख लेना। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मेन मेन क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं, तो अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।